इनके बारे में नॉलेज पहले नहीं था, जो खुसूसन हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीजें जो है रमदान के आशिर जो लास्ट अशरा है उसके मुतल्लिक बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। तो जज़ाकअल्लाह खैर टू यू शिरीन बाजी के क्लास वाज ऑन, और ये इसलिए हुआ था वरना मैं यूजुअली जो है नाइट क्लासेस प्रेफर करती हूँ। इट वाज ओनली दैट के मैं इस लास्ट अशरे में जो है कि ज्यादा इबादत करना चाहती थी और मैं मस्जिद में जाना चाहती थी, इसीलिए जो है उसका खास ख्याल जो है शिरीन बाजी ने रखा। तो अल्लाह उनको बेहतरीन अजर सवाब दे। और द क्लासेस वर ऑन, आप देखें कि क्लासेस तो ऑन थी और साथ ही साथ जो है कि मैं इबादत भी कर पाई, तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्योंकि जो है लास्ट अशरा जो है वो भी अब आप देखें बस कुछ ही घंटे आप ले सकते हैं, दिन घंटे कुछ भी कह लें, एंड देन इमिजिएटली विल बी आउट ऑफ रमदान। अब देखिए रमदान में हमने कितनी मेहनत की और एक शेड्यूल जैसा हमारा फिक्स हो गया था और हर एक चीज को टाइम को हमने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया होगा, मुझे यकीन है। एंड और सभी स्टूडेंट्स ने जो है इन चीजों का ख्याल रखा होगा। जो भी चीजें जो हमारे लिए जो है डिस्ट्रैक्शन है, अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, हमने उनको दूर रखने की कोशिश की होगी और ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा जो है वो यूटिलाइज किया होगा इबादतों में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम नहीं जानते कि नेक्स्ट रमदान हमारे लिए है या नहीं, यानी हम होंगे या नहीं होगा, रमदान तो होगा खैर, हम होंगे या नहीं होंगे। सो हमारे लिए जरूरी था कि हम इस रमदान में जो है हमारे रब को राजी कर लें और जो है कि मगफरत जो है वो हासिल कर लें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक मोमेंट के लिए कि वो अपने रब को राजी कर लें। तो बहुत मेहनतें की हमने और सबने की होंगी अपने अपने लेवल पे, जो अल्लाह ने उनको जो कुव्वत दी होंगी ताकत उसके मुताबिक उन्होंने अपने लिए जो है कि काम किया होगा। और सही तो ये है कि जिसने जितना किया है उसके लिए वो उतना फायदेमंद है, जैसे कि हम हमेशा एक आयत में देखते हैं, इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, कि अगर तुम अच्छा करोगे तुम अच्छा करोगे तुम्हारे लिए, हमने मेहनत की। और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं अब जो है ये लास्ट अशरा भी जो है वो जा रहा है तो इसको अच्छी तरीके से जो है वो कंक्लूड किया जाए। और जो आपके लिए आज एक स्पेशल क्लास हमने ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि अगर आप देखें कि रमदान के महीने में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है, कौन है हमारा दुश्मन पता है आपको, कौन है हमारा दुश्मन? यस, शैतान, जो एक्सटर्नल शैतान जो चेन्ड है राइट नाउ, वो चेन्ड है, हम सब जानते हैं ना, वो तो जंजीरों में बंद है, अल्लाह ने उसको बांध के रखा है। हाँ बट हमारा करीन हमारे साथ है, वो जो हमारा इंटरनल शैतान है, लेकिन उसकी भी कुव्वत और ताकत बहुत अगर आप देखें कम हो गई होगी, है ना, हमने कितनी मेहनतें की हैं वो कमजोर पड़ गया है। आप देखिए खुद चेक करें अपने आप को, बैठें एक 10 मिनट, जस्ट पॉन्डर ओवर, सब सोचें कि रमदान 1 से लेकर अभी तक के किस कदर जो है आपने मेहनतें की और कितना आसान हो गया था आपके लिए उन काम को करना। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो एक्सटर्नल दुश्मन यानी एक्सटर्नल शैतान जो है इज लॉक्ड। बट मैं आपको बता दूं कि यह हमेशा लॉक्ड नहीं रहेगा ना, अब हम जानते हैं आज का अगर आप देखें कि अब 28वीं जो है कि रमदान है एंड देन 29 मे बी 29 मे बी 30 वी डोंट नो, और फिर जो है शव्वाल का चांद दिखते ही जो है वो जो हमारा दुश्मन है वो क्या हो जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। और जब वो आजाद हो जाएगा तो वो पूरी कुव्वत और पूरी ताकत से दोबारा जो है हमारे लिए सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन या हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा लेक्चर रखा जाए जिसमें आपको और ज्यादा इस दुश्मन से अलर्ट किया जाए, बताया जाए कि ये हमारा दुश्मन है। देखिए जब तक कि हम बचने की कोशिश नहीं करेंगे उससे, है ना, जब तक कि हम उसको मानेंगे नहीं कि वो हमारा दुश्मन है, तो उसको जो है यस अदून मुबीन खुला दुश्मन है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमको जो है कुरान में हमारे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन दी और जो है एक एग्जाम्पल के जरिए
हमको बताया कि ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा दुश्मन है। अब कोई गैस कर सकता है कि कौन सी स्टोरी है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। उस स्टोरी के जरिए अल्लाह ने हमको बताया है कि ये शैतान तुम्हारे लिए कितना बड़ा दुश्मन है। यस, काशिफा हैज गॉट इट, कायनात हैज गॉट इट। यस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि, और जिस स्टोरी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और हम सब उस स्टोरी को पढ़ चुके हैं। जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है वो भी उस स्टोरी को जानते हैं। हाँ, बट वो थोड़ा जो है कि आप देखें, उनका नॉलेज इतना पक्का नहीं होगा जितना कि कुरान पढ़ने वाले लोगों का होगा। जिन्होंने स्टोरीज जो है, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके जरिए सुनी होंगी, तो वो स्टोरी जो है वो फैक्ट और वो ट्रुथ है। लेकिन अगर वो जो है किसी लाइम शख्स से सुने होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको वो सारी चीजें फैक्ट्स नहीं पता चली होगी, है ना। सो आज इंशाल्लाह जो है, यस जायदा पा, इट इज द स्टोरी ऑफ आदम अलैहि सलाम, हजरत हव्वा, और आदम अलैहि सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन, इब्ने आदम का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, और आदम अलैहि सलाम के दो बेटे। आज की स्टोरी में अगर आप देखें कि पहले पारे में हम आदम अलैहि सलाम, हजरत हव्वा और इब्लीस के बारे में जो कुछ पढ़ चुके हैं, है ना, जो सब पढ़ चुके हैं ना हम पहले पारे में, वो उतना पढ़े हैं। लेकिन आज थोड़ा सा स्टोरी को और थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगी, और आपको इंशाल्लाह हाबिल और काबिल के बारे में भी बताऊंगी, और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, किस तरीके से वो हमारे लिए सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, और वो किस तरीके से इंसान को जो है कहाँ ले जाना चाहता है अपने साथ, कि वो खुद भी जाएगा, क्योंकि जो है वो खुद भी जाएगा जहन्नम में, है ना। क्योंकि अल्लाह ने कहा है, लाम लान जहन्नम, जो भी शैतान की पैरवी करेगा उन सबको मैं जो है शैतान के साथ में जहन्नम में फेंक दूंगा। तो वो हमको भी ले जाएगा, वो तो खुद बर्बाद होगा ही होगा, और हमको भी पूरी करने की कोशिश। तो अब वो थोड़े दिन में बस वो आजाद होने ही वाला है, और उसकी एक्टिविटीज जो है वो ऑन होने ही वाली है। उससे पहले मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार और रिमाइंडर सेटअप कर दिया जाए के सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आजाद होने वाला है, उसकी सारे हथकंडे मैं आपको बता दूं। और आदम अलैहि सलाम की स्टोरी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है शैतान के हथकंडों का खुलासा करने के लिए, इसीलिए मैंने इस स्टोरी को सिलेक्ट किया। अभी आप कहेंगे ये स्टोरी तो हम जानते हैं। जी यस यस यस, आप उसको जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बट जिस अंदाज में आज मैं उसको पेश करने वाली हूँ वो अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज हम उस स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको स्टोरी तो आपको पता है, एवरीबडी नोज द स्टोरी, है ना, आदम अलैहि सलाम और हजरत हव्वा और इबलीस, और जो है आदम अलैहि सलाम के जो दो बेटे हैं उनके बारे में स्टोरी तो सब जानते हैं। बट जिस अंदाज से आज मैं पेश करूंगी और उसके साथ में मॉरल्स रखती जाऊंगी कि अल्लाह सुभान व तआला ने किस तरीके से जो है इब्ने आदम को आगाह किया है कि देखो तुम्हारे वालदेन ऑलरेडी इस दुश्मन से फंस चुके हैं, इसके झांसे में आ चुके हैं। तो अब आप देखिए, जब इंसान के सामने एक एग्जाम्पल होता है कोई चीज का, तो फिर वो क्या करता है, वो एग्जाम्पल से सबक सीखता है, बचने की कोशिश करता है। और क्योंकि मैंने इस स्टोरी को आज इसीलिए सेलेक्ट किया, तो बस अब 2 दिन में वो आजाद हो जाएगा, और हमने जितनी एक्टिविटीज की हैं, हमने जितने अमल किए हैं, उस पर पानी फेरने के लिए वो तैयार है। एम आई राइट? बस वो तो यही चाहता है कि मैं इब्ने आदम को रुसवा करूं, मैं जलील करूं। यू नो, हमने इतनी मेहनतें की हैं, इतनी मेहनतें की हैं, अगर आप देखें तो मैंने सोचा, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं स्टोरी सुनाऊंगी स्टोरी सुनाऊंगी, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर अब दुआ के साथ जो है वो आगाज करते हैं। तो जो सस्पेंस शिरीन कह रही थी कि हमने जो सस्पेंस रखा था, तो वो ये है कि आज आपके लिए जो है इन टू कंक्लूड द रमदान विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और ये स्टोरी जो है कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक शक बात है जो आपके सामने रखने वाली हूँ, ये फैक्ट है, इट्स अ कुरानिक स्टोरी इंशाल्लाह। तो हम जो है उसको स्टार्ट करेंगे दुआ के साथ। औद बिल्लाही मिन शैतवान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी श्राह ली सौदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन,
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق وجلي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل القرآن ربي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وزحف همي وغمي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باجي. It I'm audible ना एकदम clearly. जी अल्हम्दुलिल्लाह यू ऑडिबल वेरी क्लियर. अगर आपकी आवाज नहीं आई हम आपको इत्तला करेंगे इंशाल्लाह. ओके सारे स्टूडेंट्स से कहा जाता है कि प्लीज बहुत अटेंटिव रहें. हम जानते हैं कि यू माइट टेक इट लाइटली कि आज बाजी जो स्टोरी सुनाने वाले हम तो जानते हैं. यस ऑफ कोर्स आप जानते हो, नहीं आपके लिए अच्छी बात है. बट जो है आज जो मॉरल्स हमको उसमें से पिकअप करने हैं तो मैं वो आपसे ही लूंगी. तो इसके लिए जरूरी है कि जो सवाल मैं आपसे पूछूं या जो चीजें मैं आपको बताऊं बहुत ध्यान दें, तब जाके आप जो है मेरे सवालात का जवाब दे सके. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो हक पर मबनी है. फेरी टेल नहीं है वो, किससे कहानी नहीं है जो जो नानी दादी हमको जो है सोते वक्त सुना दिया करते थे. नहीं, ये हक पर मबनी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब जो हम कुरान में पढ़ चुके हैं कई बार. बट आज एक नए अंदाज में मैं उस कहानी को पेश करूंगी आपके साथ. जैसे कि बता चुकी हूँ ये स्टोरी जो है या कहानी या किस्सा कुरान में मौजूद है. सो इस स्टोरी के बारे में या इसको नरेट जो कर रहे हैं यानी ये स्टोरी एक्चुअली ये किस्सा बोल कौन रहा है, आप सोचें. अगर ये किस्सा कुरान में है ठीक है तो ये किस्सा बोल कौन रहा है? अल्लाह सुबहान व ताला. अल्लाह सुबहान व ताला ये किसको सुना रहे हैं? अपने नबी को. अपने नबी को. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि ये हमको ये जो है स्टोरी सुनाई है तो इसको नरेट अल्लाह कर रहे हैं. फिर तो ये हक ही है, फिर तो ये सच्ची है. क्यों इसको नरेट अल्लाह कर रहे हैं जिसमें कोई शक नहीं, मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ है. और ये कहानी में हमारे लिए नसीहत गाइडेंस है, यानी जो मुस्लिम है बिलीवर है जो ईमान वाले हैं उनके लिए इस कहानी में बहुत सारे जो है वो नसीहतें हैं, सबक ले लो आप और गाइडेंस रहनुमाई जिसको कह सकते हैं. अब सोचें ये कहानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक गाइडेंस होगी, होगी या नहीं? ये कहानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक गाइडेंस थी, एक रहनुमाई थी. इमेजिन नबी के लिए, जिस नबी की सुन्नत को हम फॉलो करते हैं वो कुरान से रहनुमाई हासिल करते हैं. आप सोचिए जिस नबी की सुन्नत को हम फॉलो करते हैं वो कुरान से जो है रहनुमाई हासिल करते हैं. सो हमें भी इन कहानियों से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए. अगर अल्लाह ने प्रॉफिट की स्टोरीज जो है अगर कुरान में रखी है तो क्यों क्यों हमें सबक सिखाने के. सो हमें भी इन कहानियों से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और हम इस स्टोरी से कुछ सबक लेंगे, रिफ्लेक्शंस लेंगे, इन मॉरल्स को अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करेंगे. क्योंकि अगर अल्लाह ने इसी यानी अगर आप देखें इसे खुद बयान किया है तो तमाम ईमान वालों के लिए इसमें बहुत से सबक होंगे. अब हम वो स्टोरी किसकी है ये जो है वो आपको बता चुके हैं, वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की. तो वो है आदम अलैहिस्सलाम और उनके दो बेटे. अब तक तो हम स्टोरी जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा और इबलीस के बारे में जानते थे और कई कई जगहों पे हमने उनके दो बेटों के बारे में भी कहानी सुनी होगी, हाबिल और काबिल के बारे में. बट आज उसको थोड़ा सा हम डेप्थ में जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है उस स्टोरी को देखेंगे. सो वो है आदम अलैहिस्सलाम और उनके दो बेटे हाबिल और काबिल, जिनकी कहानी को हम आपको सुनाएंगे एंड डिस्कस करेंगे और इनसे रहनुमाई देंगे. अब आप देखिए ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं. उम्मीद करती हूँ कि सब अलर्ट हैं और जितने जो है कि अपने फैमिली रिलेटिव सबको जो है आपने बता दिया होगा. और अगर आपको स्टोरी के बारे में पता नहीं था तो मैं बता चुकी हूँ कि इट इज रिगार्डिंग जो है आदम अलैहिस्सलाम एंड हजरत हव्वा. तो आप उनको इंटीमेशन दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मॉरल्स हैं और ये हमारे लिए जरूरी है. क्यों? क्योंकि अब बस
रमदान जो है वो खत्म होते चला है, और अब जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान वो आजाद होने वाला है, और हमारे किए कराए पे पानी यानी फेरने के लिए वो तैयार है। अब आप देखें वो नई मंसूबों के साथ और वो नई प्लानिंग के साथ वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, सो अब हमें भी तो जो है कि हमारे हथियार हमारे औजार रेडी रखने चाहिए हमारे दुश्मन से जो है मुकाबला करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ हर एक रेडी है। शरीन प्लीज पूछ लो एक बार, तो आई स्टार्ट द स्टोरी एज सून एज। हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स रेडी है। सिस्टर्स आप सभी से दरख्वास्त है कि गौर से सुने आज की क्लास को। ओवर टू यू। जी चलिए ओके। ताबिंदा सेस लब बैक। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया था जन्नत में, देखिए हम सब जानते हैं ना अल्लाह सुबहान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया था, ठीक है, और फिर उनको जन्नत में रखा, फिर ठीक है, और फिर उनको कंपेनियन यानी उनको कंपनी देने के लिए जो है उनकी फसली से जो है हजरत हवा को बनाया गया है ना, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और जन्नत में तो उनको आजादी दी थी, अल्लाह ने उनको आजादी भी दी थी, किस बारे में, कि कहीं भी जन्नत में फिरो, कहीं से भी खाओ, कहीं से भी पियो, जहां से चाहो, जहां से चाहो, सिर्फ एक दरख्त को छोड़ देना। दोनों को कहा था, दोनों को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जो है हव्वा अलैहिस्सलाम, दोनों को जो है बात बताई गई कि एक दरख्त को छोड़ देना, दोनों को यानी आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम को बताया गया, दोनों को कहा कि एक दरख्त को छोड़ के जो खाना है, जहां फिरना है, जहां जाना है जाओ। जैसे कि हम सूरह बकरा आयत नंबर 35 लगाइए, इसमें हम पढ़ चुके हैं, ये रहा पहला रेफरेंस, और अल्लाह सुबहान व तआला ने आजादी दे रखी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को, इस आयत में हमको पता चलता है, वकुलना या आदम सुकुन अंत व ज़ौजकल जन्नत वकुला मिनहा रगदन हैसु शिक्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन। इसका माना है कि हमने कहा आदम से कि सुकून से रहे तू और तेरी बीवी जन्नत में, और खाओ तुम दोनों उसमें से यानी शेर होकर पेट भरकर जहां कहीं से तुम जाओ, बस सिर्फ एक चीज अल्लाह ने मना की थी, एक वाला, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है वो और ला नहीं, तकरबा, तकरबा में करीब है, और बा यानी दोनों को कहा, प्लूरल है, नहीं तुम दोनों आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा के लिए, नहीं तुम दोनों जो है करीब जाना, हाजे हिस्सा जरा, यानी खाने की तो दूर की बात है, पास भी नहीं जाना। देखिए क्यों ऐसा कहा, क्योंकि देखिए अगर इंसान पास जाएगा तो आप देखिए कि टेम्पटेशंस आर ग्रेट, इंसान को यू नो इट्स क्वाइट टेम्पटिंग, और फिर इंसान में एक चीज है यू नो क्यूरोसिटी जिसको कहते हैं, कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, और फिर उसको ये करना होता है, जैसे अगर आप किसी को कहो यानी बच्चे हैं या कोई भी घर वालों को, देखो भाई पूरे घर में जाना, बस ये रूम में नहीं जाना, बस ये रूम में नहीं जाना, तो बस देखो इंसान पूरे घर में नहीं जाएगा, वो रूम में ही जाने की कोशिश करेगा, करेक्ट, एक क्यूरियोसिटी भी होती है और उसको वहां पर जाना है, अल्लाह ने कहा जहां जाना है जाओ, वला तकरबा हाजिहि शजर, तुम ये दरख्त के पास नहीं जाना, यानी ये ट्री क्या है, फॉरबिडन, उसको ममनू दरख्त कह सकते हैं, मत जाना, मत खाना, पास भी नहीं जाना, इसमें से कुछ नहीं खाना, अगर तुमने बात नहीं मानी और अगर तुम चले गए तो क्या नुकसान होगा, फतकूना, फिर तुम दोनों हो जाओगे मिनस ज़ालिमीन, ज़ालिमीन से जुल्म करने वालों में से, और अपनी जान पे एक्चुअली जुल्म करेंगे, और इंसान जो है वो गलत काम करके और अल्लाह की नाफरमानी करके दरअसल वो अपनी जान पर ही जुल्म करता होता है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, ठीक है। सो ये बात यहाँ पर सूरह बकरा 35 नंबर की वर्स में हमको पता चल गई, इस आयत में अल्लाह ने ममनून दरख्त के बारे में बताया, मींस द फॉरबिडन ट्री, क्यों मना किया, अल्लाह आलम, आप कोई सोचे क्यों मना किया होगा, उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि हम इंसान हैं, मैंने आपको क्या बताया, क्यूरोसिटी, बस हम यही कहेंगे अरे क्यों, आखिर क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट यहाँ क्या है, क्यों मना किया, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट, अल्लाह ने हराम किया है ना, अल्लाह ने हराम किया है, ठीक है अल्लाह को पता है, अल्लाह ने कहा मत करो, नहीं करो, बस और कुछ नहीं, अब क्या, अब इवेंचुअली क्या हुआ, देखिए जब अल्लाह सुबहान व तआला आदम अलैहिस्सलाम को ये सारी चीजें बता रहे थे, तो उस वक्त जो हमारा दुश्मन भी वहां मौजूद था,
वो सारी चीजें सुन रहा था कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के पास जाने से भी मना किया है, फल खाने की तो दूर की बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इवेंचुअली शैतान ने उनको बहका दिया। यस, शैतान जो है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्यूरोसिटी जो है वो क्या है, तजस्सुस जिसको कहते हैं, वो क्या है, इमोशन है ना, इमोशंस ही है ना, इंसान जो है उसमें ये इमोशन है, करेक्ट, जज्बाती फीलिंग्स। अब उसी का फायदा शैतान उठाता है, जब भी इंसान कमजोर पड़ता है उस पर जो है वो जज्बाती कैफियत जो है वो हावी होने लगती है, इमीजिएटली शैतान को जो है क्या लूपोल मिलता है, उसको क्रीप आने के, यानी वो अंदर आने का मौका उसको मिल जाता है, हावी होने का मौका उसको मिल जाता है। अब उससे ये देख लिया, अब इवेंचुअली शैतान ने उनको बहका दिया। कैसे पता चलता है हमको, चेंज द रेफरेंस अनंबाजी 36 सूर्य बकरा का लगाए, इसमें हमको पता चलता है कि शैतान ने क्या किया, बाज़ल्लहुम शैतान, क्या किया उसने, अपना काम कर दिया, फिर फुसला दिया उन दोनों को। देखिए दोनों को, प्लीज, मैं दोनों को बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी स्टोरीज है जिसमें जो है औरतों जो है औरत को ब्लेम किया गया है कि हजरत हवा की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन आपको कुरान में पता चल रहा है दोनों से बात हो रही है, और ये जो गुमराह किया या बहकाया शैतान ने, तो एक को नहीं दोनों को, फाजल्लहुम शैतान, शैतान ने उनको बहका दिया, शैतान ने क्या किया उनको बहका दिया, और फिर क्या किया शैतान ने, वो ममनून दरख्त से खिला दिया और जन्नत से उतरवा दिया, जो इस आयत में पता चलता है, फाखरजहुमा मिम्मा काना फीही, यानी फिर उतरवा दिया, क्योंकि जन्नत में थे ना वो, अच्छे से रह रहे थे, सुकून से रह रहे थे, पीसफुली, खाली अल्लाह ने एक दरख्त के करीब जाने से मना किया, लेकिन शैतान ने फायदा उठाया और जो है वो गलत काम उनसे करवा दिया, और फिर क्या हुआ, फाखरजहुमा, ये देखो ना यहाँ, फाखरजहुमा, फिर निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा उसमें से, काना जो थे वो दोनों, फी ही उसमें, अल्लाह ने क्या किया, वकुलना हबी तू, कहा तुम दोनों, अल्लाह ने कहा, ये जो ना कुलना, हमने कहा, यानी अल्लाह ने कहा, इहब तू उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन, बाज तुम में से लिए बाज के दुश्मन, तुम सब उतर जाओ। अब ये तुम सब उतर जाओ मतलब कौन कौन उतर जाओ और कौन कौन एक दूसरे का दुश्मन है, तो यहाँ पर है आदम अलैहि सलाम, ये स्ताबिंदा से, थ्री, ऑल थ्री, ऑल थ्री, शैतान को भी लेना पड़ेगा ना, सो हजरत आदम, हजरत हव्वा और शैतान, तुम सब उतर जाओ, तुम क्या एक दूसरे के लिए दुश्मन हो, वलकुम और लिए तुम्हारे फिल अर्दी जमीन में मुस्तकरुन एक ठिकाना, और मताउन इलाहीन और फायदा उठाना एक मुद्दत का, यानी गो टू दी अर्थ, वहां रहो एक वक्त तक के, फायदा उठाओ एंड देन अल्लाह विल डिसाइड, ठीक। सो शैतान ने वो ममनून दरख से खिला दिया और जन्नत से उतरवा दिया। अब बट हमको यहाँ ये देखना समझना है कि आदम अलैहि सलाम ममनू दरख से क्यों खाए, क्योंकि अगर आप देखें स्टोरी तो सबको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी सब जानते हैं, लेकिन जो स्टोरी से हमको सीखना है और अपने आप को जो है किसमें लगाना है, सोच में, हम लोगों को जो क्या करना है अपने माइंड में, यानी वी हैव टू पॉन्डर, आखिर क्या वजह हो गई, आदम अलैहि सलाम क्यों ऐसा किए, क्यों किए, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये हमको यहाँ पर पॉन्डर करना है, सोचना है कि वो नबी थे आदम अलैहि सलाम, और अल्लाह ने उनको इतनी आजादी दे रखी थी और फिर सिजदा भी किए थे फरिश्ते उनको, आखिर वो क्यों ऐसा किए। सो हमको यहाँ ये देखना समझना है कि आदम अलैहि सलाम ममनू दरख से क्यों खाए, व्हाट हैपेंड, आखिर शैतान ने ऐसा क्या किया था, कैसे उनको फंसा लिया अपने जाल में, शैतान ने जो है क्या किया था, शैतान ने जो है सजा दिया था गुनाह को, वो गुनाह को सजा दिया था या खुशनुमा बनाकर दिखाया था गुनाह को, ही डेकोरेटेड ब्यूटिफाइड इट, उसने गुनाह को, वो सिन को डेकोरेट करके दिखाया, मेड द सिन लुक गुड, वो गुनाह गुनाह नहीं लग रहा था, उसको खूबसूरत, यानी उसको खूबसूरत बना दिया ना। नाउ देखिए ये जो गुनाह होते हैं एक्चुअली ये गंदगी या फिल्दी होते हैं जिसको देख करके घिन आए एक्चुअली,
जो गुनाह होते हैं वो मैंने फिल्दी कहा, तो यहाँ पर इसका माना है गंदगी है, और जिसको देख करके इंसान को क्या आती है, घिन आती है। भाई शैतान ने उनको खूबसूरत बनाकर दिखाया है। खूबसूरत कैसे पता है? उसने आदम अलैहिस्सलाम से क्या कहा, कैसे उस गुनाह को, वो अल्लाह की नाफरमानी को जो गुनाह है उसको किस तरीके से खूबसूरत बनाया। सूरह ताहा की आयत नंबर 120 नेक्स्ट रेफरेंस लगाइए, उसमें हम देखेंगे कि क्या किया उसने शैतान ने। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है कि उसने क्या किया, उसने जो है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है किस में लगा दिया, अगर आप देखा, बहका दिया। और यहाँ कहा गया है अदुल्लु का शजरतुल खुल्द, यानी उसने क्या कहा कि मैं क्या तुमको बताऊं एक दरख्त के बारे में, हमेशगी का दरख्त, जिसको खा करके तुम क्या हो जाओगे, अंतकूनु मलकैनी, तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे, आउ तकूना, और तुम हो जाओगे मिनल खालिदीन, हमेशा यहाँ रहने वाले, यानी ये जन्नत हमेशा तुम्हारे लिए रहेगी, ठीक है, तुम हमेशा इसमें रहोगे, कभी मरोगे नहीं, तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे। तो अब देखो, अब उसने गुनाह को क्या किया, उसने क्या कहा, क्या मैं बताऊं तुमको एक दरख्त हमेशगी का, अदुल्लु का शजरतल खुल्द, मतलब मैं तुमको बताऊं एक खूबसूरत दरख्त के बारे में, अ ट्री ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस, मतलब अगर तुम उसमें खा लिए तो हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं, और तुम दोनों फरिश्ते हो जाओगे और दोनों हमेशा जिंदा रहोगे। तो उसने गुनाह को क्या किया, वो दरख्त का, अगर आप देखिए गुनाह था ना, अल्लाह ने कहा नहीं खाओ, उसने क्या किया उस गुनाह को करवाने के लिए, उसको सजा दिया, उसको खूबसूरत बना दिया। गॉट इट? या आपको समझ में आ रही है बात? और फिर उसने क्या किया, जो सूरह आराफ की जो आयत नंबर 20 आपके सामने है, उसने क्या किया कि वसवसा लहुमा शैतान, उसने जो है वसवसा डाला उन दोनों के लिए शैतान ने, ताकि फिर ये सारी चीज हमको पता है कि उन्होंने वो फल खाया और फिर जो है उनकी शर्मगाहें जो है, यानी अगर आप देखें वो एक्सपोज हो गई, यानी वो जन्नत के कॉस्ट्यूम जो उनके थे, जो जो यूनिफॉर्म थे जिसको हम कह सकते हैं, वो लिबास थे, वो जन्नत के उतर गए। और अगर आप देखें यहाँ पर इबलीस ने क्या करने की कोशिश की है, कॉस्ट्यूम उतर जाना मतलब क्या है, इंसान क्या हो जा रहा है, बरहाना, और आप देखें इज्जत उतर जा रही है, इज्जत उतर गई, समझ में आई बात? यहाँ पर ये जो बात बताई गई है कि वो दिखाता था उनको उनकी शर्मगाहें और फिर जो है उनका जन्नत का कॉस्ट्यूम उतर गया, जो मैंने अभी आपको कहा, तो एक्चुअली शैतान ने उनको बेइज्जत किया है, बेलिबास, यही उसका काम है। वो इब्ने आदम को क्या करना चाहता है, बेइज्जत करना चाहता है, उसकी इज्जत उतारना चाहता है। कपड़े उतरने का मतलब क्या है, कपड़े उतरने का मतलब या कपड़े उतरवाने का मतलब क्या है, बेइज्जत करवाना चाहता है, वो यही करना चाहता है। अल्लाह सुभान व ताला इतना खुलासा करके इब्ने आदम को, यानी हमको क्यों बता रहे हैं कि देखो देखो तुम्हारे वालिद को किस तरीके से ये शैतान ने अपने झांसे में ले करके किस तरीके से रुसवा किया, जो हम इस रेफरेंस में अगर आप देखें तो यहां से पता चलता है, देखिए कैसे शैतान सिंस गुनाह को मुजयन करके दिखाता है ना, उसने खूबसूरत बनाया है गुनाह को, और जो ईमान वाले हैं उसको शैतान के इस झांसे से चौकन्ने रहने की जरूरत है, कि देखो वह ऐसा किसी के साथ भी कर सकता है, गुनाह को खुशनुमा बना के दिखाएगा और फिर जो है बेइज्जत करवा देगा। तो यहाँ अल्लाह हमको अलर्ट कर रहे हैं मिसाल देकर, आदम अलैहिस्सलाम ने दरख से खा लिया था, क्यों पता है आपको, क्योंकि वो पहले इंसान थे, उनसे पहले कोई इंसान की मिसाल उनके सामने ना थी जिससे वो सबक हासिल कर सके। अल्लाह सुभान व तआला ने हमको मिसाल दे दी, किसकी, अल्लाह ने इब्ने आदम को मिसाल दे दी, आदम की, देखो तुम्हारे वालिद को, उसके पास मिसाल नहीं थी, शैतान ने फंसा दिया, ही वॉज द फर्स्ट मैन, एक्चुअली अगर आप देखें फर्स्ट इंसान था वो, उनके पास नहीं था ना एग्जाम्पल कि वो किसी एग्जाम्पल से कुछ सीखे कि शैतान क्या कर रहा है, ठीक। आदम अलैहिस्सलाम ने दरख से खा लिया था क्योंकि वो पहले इंसान थे, उनसे पहले कोई इंसान की मिसाल उनके सामने न थी जिससे वो सबक हासिल करते, सो वो शैतान के जाल में फंस गए और उन्होंने ममनुआ दरख से खा लिया, ममनुआ यानी फॉरबिडन,
और बिल्कुल इसी तरह सारे नेचर ऑफ सिंस हैं। आज सारे गुनाह खूबसूरत नजर आते हैं, अट्रैक्टिव नजर आते हैं, और इनमें इंसान फंस जाता है। आज फॉर एग्जाम्पल मैं दूं आपको, कैसे गुनाह खूबसूरत बनाकर दिखाए गए हैं, बेचे जाते हैं, गुनाह को खूबसूरत बना के बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल शराब का नाम बदल दिया गया। आप देखिए, शराब का नाम अगर आप देखें तो उसको बदल दिया गया है। यस ताबिंदा, दैट मिसाल भी बहुत अच्छी है। सूद यानी इंटरेस्ट, हाउ इंटरेस्टिंग। उसको भी अगर आप देखें, उसका भी नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। इसी तरीके से शराब का नाम बदल दिया गया है, उसे कहते हैं स्पिरिट्स। कुछ भी, यानी अगर आप देखें, देखो शराब हराम है, पर शैतान ने नाम बदलवा दिया है कि शराब पियोगे तुम्हारी स्पिरिट्स विल बी अपलिफ्टेड, सुकून मिलेगा, एक अलग ही दुनिया का तस्वुर करोगे। दिस इज हाउ इट्स मार्केटेड, ऐसी बेची जाती है ना शराब। देखिए अगर कोई उसको इस तरीके से खोल के उसकी पब्लिसिटी करा दे, भाई ये गलत चीज है, दिमाग पे जो है वो पर्दा पड़ जाता है, फिर इंसान जो है वो होशो आवाज में नहीं रहता है, और फिर वो क्या करता है उसे पता नहीं होता है। ऐसे कहेंगे तो कोई शराब खरीदेगा क्या? कोई भी नहीं खरीदेगा। आप देखिए जो सिगरेट के पैकेट्स पे जो वार्निंग्स भी दी जाती है वो कितनी फाइन और बारीक होती है, किसी को दिखती भी नहीं, दिखती भी नहीं है इतनी बारीक। बोल्ड लिखी जानी चाहिए ना कि भाई ऐसी चीज है कि यानी इतनी इंजुरियस टू हेल्थ है। नहीं, तो उसने क्या किया है, उसने जो है गुनाह को खूबसूरत बना दिया है। ऐसे ही मार्केटेड होता है। सेम विद ड्रग्स, सब जानते हैं हराम है, नुकसानदेह है, जिस्म दिमाग के लिए, आदमी मर तक सकता है, पर ड्रग्स का नाम रखा गया है। ड्रग्स के भी डिफरेंट नाम है, अगर आप देखें जो सड़क पर और जो जहां पर बेचे जाते हैं, अलग अलग नाम से, आइस, स्पीड, एक्सटेसी। एक्सटेसी का माना जो है डिक्शनरी में खुशी है, खुशी। अब मुझे बताइए ड्रग्स में क्या खुशी है, लेकिन उसको बेचने के लिए उसके नाम क्या रखे गए, एक्सटेसी का माना डिक्शनरी में यानी खुशी, हैप्पीनेस। हाउ कैन नेस्टी ड्रग गिव हैप्पीनेस? अल्लाह के रसूल की एक हदीत है, फोर्थ रेफरेंस लगाइए प्लीज। एक ऐसा जमाना आएगा लोग शराब को दूसरा नाम देकर पिएंगे। सो देखो किस तरीके से शैतान ने सिंस को डेकोरेट कर दिया है, यानी गुनाहों को सजा के दिखाया है। ठीक है, लुबना उस्मान बाजी इस हदीत को पढ़ दीजिए प्लीज। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सनन इब्ने माजा 4020, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू मालिक अशारी दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, पीपल अमंग माय नेशन विल ड्रिंक वाइन कॉलिंग इट बाय अनदर नेम एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विल बी प्लेड फॉर देम एंड सिंगिंग गर्ल्स विल सिंग फॉर देम, अल्लाह विल कॉज द अर्थ टू स्वॉलो देम अप and will turn them into monkeys and pigs. इतनी स्ट्रॉन्ग रिवायत है, लेकिन फिर भी लोग इन सारी चीजों में मुलव्वस हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने इस गुनाह को डेकोरेट कर दिया है, सजा दिया है, खूबसूरत बना के पेश किया गया है कि इंसान जो है क्या कर जाता है इसकी। इसी तरीके से आप देखिए हमजिंसियत को, जो कि हराम है, उसको सजा करके दिखाया है। हालांकि ये सब फितरत के खिलाफ है, यानी मैं होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रही हूँ, और ये सारी चीजें इंसान के लिए बीमारी का सबब है। सो द आइडिया इज यू नीड टू बी केयरफुल, होश आवाज में रहें, है ना? ये सब डे वन से चला आ रहा है, ये जो शैतान जो है इंसान का जो दुश्मन है, ये डे वन से है और इसी तरीके से फंसाना चाहता है। सो ये डे वन से, हमारे रब ने हमको आगाह कर दिया है कुरान में कि ये डे वन से चला आ रहा है, जब आदम से, जो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तब से चला आ रहा है। जो गुनाह आदम अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने था, शैतान ने उसे सजा कर दिखाया कि खा ले, हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। सो यहाँ एटलीस्ट हमारे पास एग्जाम्पल तो है, आदम अलैहिस्सलाम के पास नहीं था क्योंकि वो तो पहले इंसान थे, लेकिन आज हमारे पास आदम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल है कुरान में, तो हम तो बच जाए, हम कैसे फंस सकते हैं? सो आप देखें, जो पहले शैतान के झांसे में आकर फंस गए आदम, तो हम उससे सबक लें, चौकन्ना रहे। सामने अगर गुनाह है वो कितना भी खूबसूरत है, पर वो गुनाह है। द नंबर फर्स्ट लेसन, यानी नंबर वन लेसन जो हमने सीखा है, क्या सीखा आप सोचें?
जब उन्होंने वो ममनुआ दरख खाया, क्यों? क्योंकि शैतान ने जो है गुनाह को सजा दिया था। तो ये नंबर 1 लेसन, नंबर 1 मॉरल जो हमको मिला है, क्योंकि अब थोड़े ही दिनों में शैतान जो है वो आजाद होने वाला है और फिर दोबारा से वो हमको गुनाहों की तरफ मुलव्वस करेगा और फिर इसी तरीके से वो उसके लिए गुनाहों को सजाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले ही रिमाइंडर सेटअप करके दिया जा रहा है, चौकन्ने रहो, सामने अगर गुनाह है वो कितना भी खूबसूरत है पर वो गुनाह है। सो सबको याद रहेगा नंबर 1 जो अभी यहाँ पर मोरल आपको इतने हिस्से में जो सिखाया गया है। रुबना उस्मान बाजी, इज इट ओके? इतना हिस्सा जो बताया गया है और मोरल नंबर 1 जो अभी हमने आपके सामने रखा है, इज इट ऑल क्लियर फॉर एवरीबॉडी? एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम ट्रैप्ड हो गए, उसके जाल में ट्रैप्ड हो गए। ठीक है, बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम फंसे इसीलिए भी कि शैतान ने अल्लाह की कसम खा करके यकीन दिलाया। बहुत से स्कॉलर्स ये भी कहते हैं, और यस कुरान की आयत में भी इसके बारे में 5th नंबर का रेफरेंस लगाइए बाजी, आराफ 21। आराफ 21 में आप देखें, यहाँ पर हमको पता चलता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था कि इब्लीस अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोलेगा। यसी वकासमहुमा, आपके सामने वो आयत लगी हुई है अल आराफ 21, कि आदम अलैहिस्सलाम कैसे फंस गए। पॉइंट नंबर 2, पहले तो उसने गुनाह को सजा दिया कि देखो तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा यहाँ जन्नत में रहोगे और मरोगे नहीं। यानी ये क्या है, ये जो है हमेशा, यानी खुल्द, शजरत खुल्द का मतलब ये दरख्त से खाओगे तो हमेशा जो है वो तुमको जो है कि हमेशा इटर्नल एग्जिस्टेंस, कभी मरोगे नहीं, ये एक झांसा दिया। दूसरा क्या किया, क्योंकि कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम फिर भी मानने को बात उसकी तैयार नहीं थे, जब वो झांसा दे रहा था इस बात को लेके तब भी वो रुक रहे थे, सोच रहे थे, जैसे सोचता है ना इंसान। फिर उसने क्या किया पता है, वकासमहुमा, जो आपके सामने रेफरेंस लगा, इसका मतलब क्या है कि फिर फुसला दिया उन दोनों को शैतान ने, जो है ना यहाँ पर क्या करने लगा वो, कैसे, कसम खा गई शैतान ने जो है, कसम खाई। वकासमहुमा इन्नी लकुमा, बेशक मैं लकुमा लिए तुम दोनों के, यानी आदम और हव्वा के लिए, लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, खैर ख्वाहों में से हूँ मैं। देखो क्या वेल विशिंग किया है उसने, उसने बताया मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ। अब सोचें, आदम अलैहिस्सलाम को तो बिल्कुल भी ये यकीन ही नहीं था कि इब्लीस अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोलेगा, वो सोचे भी नहीं थे इस बात के बारे में कभी भी। तो हमको सेकंड मॉरल क्या मिला, नेवर यूज अल्लाहस नेम फॉर अ लाई, अल्लाह का नाम लेके कोई झूठ नहीं बोलना। यू वॉन्ट टू से, कभी अल्लाह का नाम लेकर झूठ नहीं बोलना, ये कबाइर गुनाह में से है, याद रखना ये कबाइर गुनाह में से है, मेजर सिन में, कि अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोलना। अगर कोई अल्लाह की कसम खाकर झूठ कहता, मतलब उसने अल्लाह को गवाह बनाया उस झूठ का। इसका मतलब ये, कोई अगर झूठ बोल रहा है जानबूझकर और अपने आप को बचाने के लिए अगर वो अल्लाह की कसम खा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि उसने जो है अल्लाह को जो है गवाह बना लिया उस झूठ में। ऐसे ही झूठ बोलना जो है, अगर आप देखें गुनाह है, उसके साथ वो अल्लाह ही जोड़ना उसको बड़ा गुनाह बना देता है, यानी अल्लाह की कसम खा के झूठ बोलना। सो कभी अल्लाह की झूठी कसम नहीं खाना, ये मॉरल नंबर 2 है। अब नेक्स्ट क्या है, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस सबको जन्नत से उतार दिया जब उन्होंने वो फ्रूट खाया। मैं आप पीछे बता चुकी हूँ आपको सूरह बकरा, नेक्स्ट रेफरेंस, रेफरेंस नंबर 6 लगाइए, उसमें हम देख चुके हैं ना कि अल्लाह ने उनको क्या कहा, वकुलना, देखिए यहाँ से देखिए, वकुलना, और कहा हमने, हमने यानी अल्लाह सुबहान व तआला ने, इब तू उतर जाओ, बाद हुकुम तुम में से बादली बाद लिए बास के जो है अदुमन, दुश्मन हो तुम सब एक दूसरे के दुश्मन, वलकुम और लिए तुम्हारे फिर अर्दी जमीन में मुस्तकर हो, एक ठिकाना व मताउन लाहीन और फायदा उठाना एक वक्त तक के, जाओ उतर जाओ, नहीं चाहिए यहाँ पर। अब जब उनको उतारा गया तो अब आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को एक इंसानी जिंदगी बसर करनी है। इंसान तो खैर होते, पर देखिए लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन पैराडाइज इज डिफरेंट फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। समझ में आ रही बात, इंसान तो वो थे लेकिन जिंदगी जन्नत में कुछ और थी, और अब जिंदगी जो है वो अर्थ पे यानी दुनिया में कुछ और है। यहाँ खाना है, यहाँ पीना है ना,
देखिए जन्नत में भी खाना पीना है, लेकिन भूख की वजह से इंसान नहीं खाएगा जन्नत में खाना पीना। दुनिया में भूख लगती है इसीलिए खाना पीना है ना। जन्नत में भूख की वजह से खाना पीना नहीं है, इट्स ओनली फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस जन्नत में, एंड प्लेजर। जन्नत में सिर्फ जॉय प्लेजर हैप्पीनेस के लिए इंसान जो है वो खाना खाएगा, भूख के वजह से नहीं। जन्नत में सोना नहीं था, यहाँ सोना भी है, यानी सोना मीन्स स्लीपिंग। जन्नत में सोना वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर सोने का भी है। फिर यहाँ पर अगर इंसान खाना खाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ टॉयलेट्स का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। सो अब वो इस नई जिंदगी में एडजस्ट होने लगे। नई जिंदगी ना, ऊपर पैराडाइज में एक जिंदगी थी, जन्नत में एक जिंदगी थी, अब वो दुनिया में उतर गए, अब यहाँ पर क्या है, दूसरी जिंदगी है, समझो। अब वो जी रहे हैं उसको और एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सब वो इस नई जिंदगी में एडजस्ट होने लगे। फिर रिप्रोडक्शन भी है यहाँ पर, यानी क्या क्या, अब बच्चे भी होने हैं, रिप्रोडक्शन भी है यहाँ पर, फिर रिप्रोडक्शन भी है, बच्चे पैदा करने, क्योंकि एग्जिस्टेंस है, अर्थ पर बसना है ना। सो फिर आबादी और फिर नस्ल आगे बढ़नी है, तो अब उन्होंने औलादे भी पैदा की। हजरत आदम और जो है हव्वा अलैहि सलाम ने औलादे भी पैदा की। हजरत हव्वा एक वक्त में जुड़वे बच्चे पैदा करती थी। नाउ लिसन हियर, ये स्टोरी यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ से रिवायतों से पता चलेगा हमको कि हजरत हव्वा एक वक्त में जुड़वे बच्चे पैदा करती थी, यानी एक वक्त में एक प्रेगनेंसी से उनको दो बच्चे होते थे, और उसमें क्या होते थे, एक लड़का एक लड़की, और फिर दूसरे वक्त दूसरी प्रेगनेंसी से एक लड़का और एक लड़की। अब आबादी कैसे बढ़ेगी, आप देखिए दुनिया में कौन किससे शादी करेगा, सब भाई बहन है, करेक्ट। सो उलमा रहमहुल्लाह फरमाते हैं उस वक्त भी इसके बारे में रूलिंग्स थी कि जो लड़का पहली प्रेगनेंसी से आया उसकी शादी उस लड़की से की जाती थी जो दूसरी प्रेगनेंसी से आई। समझ में आई बात, क्योंकि जो साथ में पैदा होते थे वो सगे भाई बहन थे। लेकिन अब ये तरीका था ना कि अब क्या करें, हालांकि दूसरे भी जो पैदा होंगे वो भी भाई बहन है, लेकिन अब ये तरीका था कि अब जो है रिप्रोडक्शन है और फिर जो है नस्ल बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ना है, तो ये एक तरीका था। लेकिन उस वक्त भी कुछ चीजें हलाल और हराम में थी, और वो क्या था कि एक प्रेगनेंसी से जो एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे उन दोनों का निकाह जो नहीं किया जा सकता था, यानी उसी प्रेगनेंसी से, एक प्रेगनेंसी से पैदा होने वाले वो जो है लड़का और लड़की, वो भाई बहन सगे होते थे, उनका निकाह नहीं किया जाता। बट दूसरी प्रेगनेंसी से जो एक लड़का और एक लड़की होते थे तो वो जो है इस तरीके से क्रॉस, अगर आप देखें कि निकाह करा देते। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कि इसके बारे में रूलिंग्स क्या थी, जो लड़का पहली प्रेगनेंसी से आया उसकी शादी उस लड़की से की जाती जो दूसरी प्रेगनेंसी से आए, एंड द बॉय इन द सेकेंड वन मैरीज गर्ल फ्रॉम द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये हलाल था उस दौर में भी, ये हलाल था। और सेम प्रेगनेंसी से आए हुए लड़का लड़की एक दूसरे के लिए हराम थे उस दौर में भी। अब क्लियर है कौन किससे निकाह करेगा, अब समझ में आ गया आपको कि उस दौर में भी जो है हलाल और हराम को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है कौन किससे निकाह करेगा, ये सारी चीजें क्लियरली बता दी गई थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी से जो एक लड़का एक लड़की आएंगे उनका निकाह नहीं हो सकता। हाँ, सेकेंड प्रेगनेंसी से जो बच्चे होंगे लड़का लड़की, उनसे जो है इस तरीके से निकाह किया जा सकता है, यानी उनकी पहली वहां की लड़की यहाँ के लड़के के साथ और यहाँ का लड़का वहां की लड़की के साथ। आई होप ये क्लियर है। शिरीन बारी ये पूछ लो, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एक भी ऐसा मैसेज जिसमें कोई समझ में नहीं आई बात नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ जी पर दो बाजी, बार रिपीट कर चुकी हूँ, आप पूछ लो। जी बाजी हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स को क्लियर हो गया होगा। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गेटिंग मैसेज, उम्मीद करती हूँ आपको भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ से क्लियर हो गई हमारी बात। अब देखते हैं कि अब जो सेकेंड प्रेगनेंसी से, सो अब हमको समझ में आ गई ये बात, अब हाबिल जो है, यानी जो दो लड़के थे, एक लड़का जो है पहले वाबिल और दूसरा जो है हाबिल, अब हाबिल और उनके साथ जो लड़की आई थी वो तो हो गए क्या भाई बहन, लेकिन अब हाबिल का निकाह जो है वो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी या फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली लड़की है उससे करवाना है। अब हाबिल ने इकरार किया इस रूल को, हाबिल ने मान लिया, हाबिल ने मान लिया, हाँ चलो ठीक है,
बट जो दूसरा बेटा था बट काबिल नहीं माना इस रूल को। काबिल को उससे ही शादी करनी थी जिसके साथ वो पैदा हुआ था, यानी जो उसके लिए मना किया गया था, वो लड़की उसके लिए हराम थी जो उसके साथ पैदा हुई थी, सेम प्रेगनेंसी, तो वो अपनी बहन से ही निकाह करना चाहता था क्योंकि वो लड़की ज्यादा खूबसूरत थी बनिस्बत दूसरे लड़की के। अब दोनों भाई आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ये केस लेके, उनमें क्या हो गई, बहस हो गई, फितना हो गया, अब झगड़ा हो रहा है, नहीं वो नहीं मान रहे, हाबिल ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं मेरे लिए जो हलाल है मैं वही करूंगा, लेकिन काबिल जो है वो हराम की तरफ जो है वो आगे बढ़ गया। अब दोनों में अगर जो है बहस हो गई तो अब इसका फैसला कौन करवाएगा। अब दोनों भाई आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ये केस ले करके कि फैसला करो हमारा, फैसला करो हमारा, जो हमको अलमायदा की आयत नंबर 27 में अल्लाह ने फरमाया है, आयत नंबर जो है नेक्स्ट लगाइए प्लीज। अब देखिए यहाँ पर अलमायदा की आयत नंबर 27 से मैं आपको ये किस्सा दो भाइयों का बताऊंगी, और यहाँ पर है वतलू अलैहिम नबा, देखिए और पढ़िए उन पर नबा यानी किस्सा इब्ने आदम यानी आदम के दो बेटों का बिलहक की हज के साथ, और इन दोनों के बारे में बात बताओ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अब सल्यूशन बताया कि फैसला कैसे करो, क्योंकि आप दोनों में अगर आप देखिए झगड़ा हो रहा है, बाप के पास आ रहे हैं कि भाई नहीं वो लड़की के वजह से कि कौन जो है निकाह करें, तो आप क्या करें, तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सल्यूशन दिया है सूरह मायदा की आयत नंबर 27 जो आपके सामने है, और वो आयत क्या कहती है, सल्यूशन क्या है कि फैसला कैसे करो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा हाबिल तुम अल्लाह के लिए बेस्ट गिफ्ट लेकर आओ, जो इस आयत में 27 को देखते हैं, वतलू और पढ़िए अलैहिम उन पर नबा खबर इब्ने दो बेटों की आदमा आदम की बिलहक की हक के साथ, इस जब उन जो है का जब जो है दोनों ने कुर्बानी की, कुर्बानी करना तो वो कबूल कर ली गई उन दोनों में से एक से, और ना वो कबूल की गई दूसरे से, समझ में आया। सो अब सल्यूशन क्या दिया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कि देखो अल्लाह ने तुमको कहा है कि तुम दोनों जो है ना अल्लाह सुबहान व तआला को गिफ्ट दो, जिसका गिफ्ट जो है अच्छा होगा अल्लाह को पसंद आएगा। तो उस दौर में वो तरीका था कि आसमान से एक आग आके उस कुर्बानी को एक्सेप्ट कर ली जाती, मतलब कैसे पता चलता कि शख्स की कुर्बानी एक्सेप्टेड है, तो अल्लाह सुबहान व ताला आसमान से एक आग भेजते और वो आग जो है वो कुर्बानी को खा जाती, जिससे पता चलता कि भाई ये एक्सेप्टेड है। सो हाबिल और काबिल को आदम अलैहिस्सलाम ने बुलाया और ये बात जो है अल्लाह ने उनको बताई उनके सामने रख दी गई। अब इस बात पे दोनों भाइयों ने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने तैयारियां स्टार्ट की, किस चीज के लिए, अल्लाह को ऑफरिंग्स देने के लिए, कुर्बानी की तैयारी करने लगे। तो हाबिल के बारे में आता है कि हाबिल जो था वो फार्मर था यानी किसान था, और फिर उसने क्या किया कि उसके पास जो है भेड़ बकरियां भी थी, उसके पास एक शीप थी यानी भेड़ बोल सकते हैं आप, और वो बहुत हट्टी खट्टी अच्छी यानी बेस्ट कोई चीज अगर हाबिल के पास थी तो वो शीप थी, उसने वो ऑफर कर दिया तंदुरुस्त शीप अल्लाह के लिए यानी वो कुर्बानी के लिए। और काबिल ने क्या किया, और काबिल क्या किया, वो भी क्या था, वो भी फार्मर था, लेकिन उसने सबसे यानी वर्स्ट ऑफरिंग्स जो सबसे यानी बेकार जो चीज थी अपने जो है उसकी फसलों में से वो लाया और फिर उसने ऑफर किया। आदम अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा कि अब तुम क्या करो, वहां लेके जाके पहाड़ पे दोनों अपने अपनी ऑफरिंग्स को रख दो और फिर अल्लाह डिसाइड करेंगे कि जिसकी ऑफरिंग अल्लाह को पसंद आएगी यानी कुर्बानी तो उसको आकर आंख खा जाएगी और फिर फैसला हो जाएगा। अब हाबिल एक किसान था, उन्होंने अच्छी सेहतमंद मोटी ताजी शीप लेकर लेकर आए और पहाड़ पे रख दिया एज अ सदका, ठीक है। और काबिल भी एक किसान थे, उन्होंने सबसे बेकार खेत की फसल चुनी कुर्बानी चढ़ाने के लिए, वहां पहाड़ पर रख दिया। अब ओवरनाइट क्या हुआ, अल्लाह ने आग भेजी और वह हाबिल की कुर्बानी जो वो शीप थी उसे खा गई, यानी किसकी कुर्बानी पसंद आई अल्लाह को, हाबिल की, हाबिल की जो है कुर्बानी उसको अल्लाह को पसंद आई। अब क्या क्या हाबिल का सदका अल्लाह ने कबूल कर लिया और निकाह की परमिशन मिल गई। अब हमको सबको समझ में आता है कि हाबिल को जो है निकाह करना है, अब परमिशन मिल गई उस लड़की के साथ। अब मॉरल क्या है, यहाँ पर हमने मॉरल क्या सीखा, चलिए ये बताइए, हाबिल का सदका क्यों कबूल किया गया। यस, ताबिंदा इज सेइंग बेस्ट ऑफरिंग, क्योंकि
जो उन्होंने कुर्बानी जो है वो की थी अल्लाह के लिए, वो क्या थी? बेस्ट। सहाबिल का सदका क्यों कबूल किया गया? क्योंकि उसने सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया था। लेसन एज अ मुस्लिम हमने क्या सीखा यहाँ पर? मुस्लिम ऑलवेज ऑफर बेस्ट यू हैव इन लाइफ, है ना? अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो आप देखो बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स आप लगाते हो एग्जाम देने के लिए। फिर अगर कोई आपसे एडवाइस मांगे तो एक मुसलमान क्या करता है? बेस्ट एडवाइस देता है। फिर अगर वो प्रे भी करता है, जब वो सलात या नमाज भी पढ़ता है, तो बेस्ट सलात ऑफर करने की कोशिश करता है। ही पुट्स मैक्सिमम एफर्ट्स। अल्लाह वांट्स अस टू गिव बेस्ट। जब नमाज पढ़ो बेस्ट पढ़ो। अल्लाह हमसे क्यों बेस्ट चाहते हैं? अपने लिए। अल्लाह को क्या करना है तुम्हारी चीजों से? एक्चुअली कल आखिरत के दिन वो तुमको एज अ तोहफा मिलेगा। तो आज जो तुम दे रहे हो अल्लाह को, वो कल तुमको रिटर्न मिलने वाला है। तो आप सोचो कैसी चीज तुम अल्लाह को दोगे, कैसी चीज देना पसंद करोगे? तुम कैसी चीज अपने लिए चाहते हो? तुम अपने लिए कैसी चीज चाहते हो? अच्छी, उम्दा ना, बेस्ट? तो फिर बेस्ट देनी पड़ेगी तुमको, बेस्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको ये लेसन मिला। तो ये तीसरा लेसन है हाबिल और काबिल के, इसमें जो हमको है कि हम अल्लाह को अगर कोई भी चीज अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो क्या करें? बेस्ट। नमाज बेस्ट। फिर जो है जिक्र बेस्ट क्वालिटी वाला। ठीक, अब स्टोरी कंटिन्यूज। काबिल ने कहा जो है, अब जो है अल्लाह कबूल करते हैं मुत्तकी से। अब यानी क्या हो गया यहाँ पर के भाइयों में भी जो है वो फसाद हो गया। जाहिर सी बात है कि एक भाई की कुर्बानी जो है वो एक्सेप्टेड हुई इस आयत के हिसाब से, और दूसरे की कुर्बानी जो है एक्सेप्ट नहीं हुई, है ना? तो अब क्या हुआ? जिसकी कुर्बानी एक्सेप्ट नहीं हुई वो कौन था? काबिल। तो अब वो जल गया, हसद जलन। और फिर उसने क्या कहा? काला लअक्तुलन्नका। क्या कहा आप? देखिए वो कहां तक जा रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है। झगड़ा फसाद ही नहीं, वो क्या कह रहा है? अब मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। यानी भाई काबिल ने अपने भाई हाबिल से कहा, तेरी कुर्बानी कैसे एक्सेप्टेड? अल्लाह ने तेरी कुर्बानी को कैसे एक्सेप्ट किया? यानी मानने को तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? लाअक्ल जो है, लाअक्तुलन्नका, मैं तुझे कत्ल कर दूं। ठीक है, लेकिन हाबिल देखो उसको समझाता है। हाबिल उसको समझाता है कि उसकी कुर्बानी क्यों एक्सेप्टेड हुई। तो यहाँ कहा, काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। काला, कहा हाबिल ने, इन्नमा दरअसल ये तकबलू, वो तो कबूल करता है अल्लाहु अल्लाह मिनल मुत्तकीन, परहेजगारों से, है ना? परहेजगारों से। तो यहाँ ये जो हाबिल ने कहा अल्लाह कबूल करता है मुत्तकियों से, मींस गिविंग बेस्ट इज अ साइन ऑफ राइचियसनेस। मुत्तकी होना है कि तुम अगर कोई भी बेस्ट चीज ऑफर करो तो यानी तुम जो है ये क्या है? इट्स अ साइन ऑफ राइचियसनेस। सो व्हेन यू गिव, बेस्ट देना चाहिए। ठीक है, ये अल्लाह को पसंद है जो हमको यहाँ पर समझ में आता है। और अल्लाह इज डिक्लेयर दैट कि जो है यहाँ पर देखिए ना, इन्नमा यतकबुलुन जो है यतकबुलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह जो है कबूल करता है किससे? परहेजगारों से। या अल्लाह ने डिक्लेयर किया। अब नेक्स्ट आगे स्टोरी होती है। अब काबिल कुछ मानने को तैयार नहीं। भाई ने तो समझा दिया, देखो क्या अब हो गया है फैसला, अब क्या है, तुम मुझे कत्ल करने की मत सोचो। और ये जो अल्लाह ने जो एक्सेप्ट किया है कुर्बानी, है इसीलिए क्योंकि वो परहेजगारों से जो है वो एक्सेप्ट करता है। अब काबिल कुछ मानने को तैयार नहीं, वो तो उसे उससे ही शादी करने की जिद पे अड़ गया जिसके साथ वो पैदा हुआ था। काबिल जलने लगा हाबिल से कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जलन बड़ा गुनाह है। यहाँ दूसरा मोरल हमको मिलता है, क्या है यहाँ पर जलन? क्या है? बहुत बड़ा गुनाह। जो कोई जलता है किसी और से, वो इब्लीस के नक्शो कदम पर चलता है। समझ में आ रही है आपको बात? ये किसने किया था? हसद जलन, ये कहाँ से आई बात? ये इब्लीस से आई है। सो जो कोई किसी से जलता है किसी और से, वो इब्लीस के नक्शो कदम पर चलता है। इब्लीस को पहले था जिससे जिसमें जलन अगर आप देखें पैदा हुई, है ना? इब्लीस को पहले क्या जलन पैदा हुई? वो जलने लगा के सब जो है आदम अलैहि सलाम को क्यों सिजदा करें। एग्जाम्पल अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा मैं आपको आज के हिसाब से बताती हूँ। ऐसा होता है ना स्कूल में कॉलेज में, कोई एक बच्चा ज्यादा एक्सेलेंट होता है, एक्सेलेंट के लेवल पे होता है हर चीज में, जो शैतान जो है फिर अगर आप देखें फिर उसमें क्या करना स्टार्ट करते हैं। यानी एक बच्चा जो है वो ज्यादा अः एकेडमिक वाइज,
या फिर कोई भी खेल कूद में बहुत ज्यादा आगे हैं, तो दूसरा बच्चा जो कमतर है वो क्या करता है, वो जलता है उससे। तो शैतान फिर ऐसे मौके का फायदा उठाता है, जब इमोशंस आ जाते हैं तो फायदा उठाता है और सिखाता लोगों को नफरत करो उससे, नफरत सिखाता है। यानी कोई अगर किसी से आगे बढ़ गया तो नेक्स्ट कदम क्या है, शैतान दिमाग में क्या डालता है, उस शख्स से नफरत कर, अगर वो तुझसे आगे बढ़ गया है तो आप क्या कर, उस शख्स से नफरत कर, ये डालता है। जैसे काश ये फेल हो जाए, फिर इंसान सोचता है, बच्चा क्या सोचेगा, काश ये फेल हो जाए, काश ये बीमार हो जाए एग्जाम के टाइम पे, है ना। सो बी केयरफुल ऐसे एटीट्यूड से, सब शैतान की तरफ से है ये। अगर हम हमारी मोमिन सिस्टर के लिए कोई गलत सोचें या हसद या जलन रखें तो ये सब किसकी तरफ से है, ये दरअसल सब कुछ जो है वो शैतान की तरफ से। जो कोई किसी से जलता है वो अपने पर जुल्म करता है, क्योंकि जेलेसी पर्सन अंदर से हमेशा स्ट्रेस्ड होता है। सो प्लीज डोंट हार्म योरसेल्फ, सप्रेस योर जेलेसी, उसको कंट्रोल करो। आप जेलेसी को और जलन को कैसे काबू कर सकते हो, इंसान इंसान जेलेसी को कैसे काबू कर सकता है, तो यहाँ पर सोल्यूशन भी पता चलता है हमको। सबसे पहला, नंबर 1, सबसे पहले जान लो जो किसी के पास कुछ है वो सब अल्लाह की तरफ से। अगर किसी के पास, अभी हमने सूरह निसा में एक आयत की थी, निसा 32 में मैंने आपको ये बात बताई थी ना, सबसे पहले जान लो जो किसी के पास है वो सबसे पहले अल्लाह की तरफ से है। सो जब हम जलते होते हैं किसी पर तो हम एक्सेप्ट नहीं करते अल्लाह की तकसीम को और नाराज होते हैं अल्लाह की तकसीम पर, तो ये सारी चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। यानी अगर उसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है और हम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दरअसल हम किसको क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्लाह को, कि अल्लाह तूने उसको ज्यादा क्यों दिया, हम पसंद नहीं कर रहे ना, तो ये एटीट्यूड नहीं इख्तियार कर। नेक्स्ट, तुमको चाहिए उस जैसे, तुमको चाहिए उसकी चीज है तो क्या करना चाहिए बताइए। सूरह निसा आयत नंबर 32 लगाइए, उसमें हमने क्या देखा था, ये आयत को हमने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर तुमको चाहिए तो दुआ करो ना। अल्लाह ने इस आयत में सूरह निसा 32 में हमको क्या बताया था, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु, नहीं तुम तमन्ना करो जो फजीलत दे रखी है अल्लाह ने भी साथ उसके तुमने से बास को ऊपर बास की, जो अल्लाह ने दे रखी है, ठीक है, तो मत करो ऐसा। अब तुमको चाहिए तो तुम क्या करो, देखिए लास्ट लाइन में क्या कहा गया, वस अल्लाह मिन फदली, कि तुम भी सवाल करो अल्लाह से, तुम भी दुआ मांग सकते हो, अल्लाह ने दिया ना तुमको, तुमको कुछ चीज चाहिए, हसर जलन क्यों कर रहे हो, जो अल्लाह उसको दे सकता है वो तुमको भी दे सकता है, तो तुम अल्लाह से फजल मांगो, अल्लाह तुमको उससे ज्यादा अच्छा देगा, ये याद रखना। तो ये तरीका है अपने जेलेसी को कंट्रोल करने का। तीसरा क्या करना है, कि जो कि जाओ उस शख्स के पास, कहो माशाल्लाह तबारक अल्लाह, यानी जलने के बजाय क्या करना है हमको, उस शख्स के पास जाना है जो अल्लाह ने उसको ज्यादा दे रखा है, तो उसकी नेमतों पर जलने के बजाय, इल्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सिस्टर, क्या कहे, माशाल्लाह तबारक अल्लाह फॉर व्हाट अल्लाह हैज गिवन हिम और हर, जाओ उसको बोलो अल्लाह तुम्हें और दे, अल्लाह तुम्हें और दे। दिस इज हाउ यू कैन किल जेलसी, तब तुम किसी के लिए कोई चीज की दुआ करो, जब तुम किसी के लिए कोई चीज की दुआ करो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए सेम चीज की दुआ करते होते हैं, याद रखना। तुमको भी चाहिए तुम उसके लिए दुआ करो, जलन हसद सब खत्म हो जाएगी, और जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते, सूटर और लेटर अल्लाह तुम्हारी सुन लेंगे, तुमको वो चीज मिल जाएगी, तुमको भी वो चीज मिल जाए या उससे भी बेहतर। सो ऐसा इस फीलिंग से बाहर आ जाओ, अल्लाह कहते हैं ये जलन हसद ये फीलिंग से बाहर आ जाओ, जलन हसद बहुत बुरी चीज है। अब क्या हुआ, चलिए बैक टू द स्टोरी, तो आपको देख रही हूँ, सॉरी आपको मैं बताती जा रही हूँ स्टोरी और साथों साथ उसके मॉरल्स भी आपके सामने रखती जा रही हूँ, क्योंकि ये शैतान यहीं पर वार करता है, ये सारे लूप होल्स है जिससे उसको अंदर आने का मौका मिलता है। तो उन दरवाजों को बंद करो, ये मॉरल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या उसके सारे अंदर आने के दरवाजे बंद कर दिए जाए। सो अब क्या हुआ, स्टोरी आगे बढ़ती है, काबिल ने कहा हाबिल से, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, पीछे हम देखें यहाँ पर पीछे वाली आयत में, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। हाबिल क्या कहता है, देखो रेफरेंस नंबर 9 लगाइए, मायदा 28। अब देखिए इसमें हाबिल जो है वो क्या कहता है, जब भाई ने कहा मैं अब तुझे मार डालूंगा, यानी अब देखो उसकी चल ही नहीं रही है ना, बस ही नहीं चल रहा है, तो अब क्या कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा, कत्ल करूंगा, पीछे वाली आयत में हमने देखा। अब ये दूसरे नंबर की आयत है मायदा 28 में, यहाँ पर देखिए हाबिल क्या कहता है, वो कहता है लईन, अलबत्ता अगर, बस सत्ता,
तूने फैलाया इलैया मेरी तरफ यदा का तेरे हाथ को लितक तुलनी ताकि तू कत्ल कर दे मुझको। माँ नहीं है ना मैं बिबासितिन फैनाने वाला यदि या मेरे हाथ को इलैका तेरी तरफ लिया तुलक ताकि मैं कत्ल करूं तेरा। यानी तू ऐसा कर रहा है मैं नहीं करूंगा, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर मारने आए तो हम डिफेंड ना करें, हम पहल ना करें, हम जो है वो गलत काम की पहल ना करें, किसी को मारने की कत्ल करने का पहल या अपना डिफेंस तो कर सकते हो, प्लीज हाथ बांध के नहीं खड़े रहेंगे, यानी शुरुआत ना करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही काशिफा। सो अब यहाँ क्या हुआ, भाई ने समझा दिया कि देखो ये काम मत करो। आबिल ने कहा मैं अल्लाह से जो है वो क्या है डरता हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह, इन्नी बेशक मैं अखाफु, मैं तो डरता हूँ अल्लाह अल्लाह से, यानी मैं भी अपना हाथ रेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पता चलता है उसने क्या कहा, जब तू मुझे मारने आएगा तो मैं भी तुझे मार सकता हूँ, मैं भी तुझ पे हमला कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, यानी अपना बचाव तो करूंगा लेकिन तुझ पर हमला नहीं करूंगा, तुझे खत्म करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो रब्बुल आलमीन है, जो रब है। सहाबिल ने कहा, तमाम जहान का हाबिल ने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ वरना मैं भी तुझे हार्म कर सकता हूँ, मुझे तेरी तरह नहीं बनना। देखो भाई ने कह दिया, हाबिल ने, मुझे तेरी तरह नहीं बनना। नेक्स्ट रेफरेंस लगाए, रेफरेंस नंबर 10, स्टोरी कंटिन्यू होती है सूरह मायदा आयत नंबर 29 में, देखते हैं अब यहाँ पर क्या बात होती है। इन्नी बेशक मैं, अब यहाँ पर हाबिल जो अच्छा भाई है वो कह रहा है, अपने भाई को देखा जाए तो समझा रहा है एक्चुअली। आप देखो भाई को गलत काम करने से रोक रहा है और भाई को समझा रहा है, इन्नी बेशक मैं उरीदू, मैं चाहता हूं अन के तबुआ भी इसमी कि तू जमा कर ले समेट ले मेरे गुनाह, वह इसमी का और तेरे गुनाह, यानी तेरे गुनाह तो है ही लेकिन जब तू मुझे कत्ल कर देगा तो फिर मेरे गुनाह भी, यानी अब देखे तो इससे भी तेरे गुनाह हो जाएगा ना, तो तुझे उसको भी समेटना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहा कि मैं जो है इरादा करता हूँ कि तू समेट ले तेरे गुना और जो है मेरे गुना और जो है तेरे गुना, फतकुना फिर तू हो जाए मिनास, फिर तू हो जाएगा मिना साहब नार, ऐसा करके तू क्या हो जाएगा नार की तरफ जा रहा है, तू नार का साथी बन जाएगा। वजालिका, और ये क्या नार, जजाउ जोलमीन, ये तो बदला है जुल्म करने वालों का। सो सबक क्या मिला, गुनाह इंसान को कहाँ तक पहुंचाता है, यहाँ पर किसकी बारे में बात हुई है। हाबिल ने भाई को क्या कहा, काबिल को समझाते वक्त कि देखो तू जो मुझे कत्ल करने की सोच रहा है ये तुझे नार तक पहुंचा दे, तेरे गुनाह और मुझे मारकर तुझे और गुनाह होगा, तू सबको तेरे को समेटना पड़ेगा और तू नार की तरफ जाएगा। वो जालिका जजाउल जालिमीन, ये बदला है किसका, जालिमों का। सबक हमको यहाँ क्या मिला, हमारे 10th रेफरेंस में, गुनाह इंसान को जहन्नम तक पहुंचाता है, आखरत में दुनिया में परेशान रहेगा फिजिकली मेंटली। सो गुनाह हमें हार्म करते हैं, गुनाह ना करें, इंसान को दुनिया में भी हार्म करते हैं और आखरत में तो है ही हेल्प फायर। सो हाबिल ने काबिल को समझाया कि तुम नार के रास्ते पर चल रहे हो मत जाओ, ठीक है। फिर अल्लाह कहते हैं कुरान में, अब देखिए जलन काबिल का इतना बड़ा, यानी अगर आप देखिए कि जलन भर गई थी ना काबिल के अंदर कि उसने क्या किया, जलन के मारे भाई को खत्म कर दिया। रेफरेंस नंबर 11 दीजिए, सूरह मायदा की आयत नंबर 30 में देखिए कि उसने क्या किया, अब फतवात तो आसान कर दिया, लहू लिए उसके नफ्स हूँ, काबिल की बात हो रही है, उसके नफ्स ने क्या कत्ला, कत्ल करना अखी ही अपने भाई का आसान कर लिया, नफ्स रेडी हो गई, कत्लू तो उसने कत्ल कर दिया उसका, फसबहा फिर कत्ल करके क्या हो गया, पस वो हो गया मिनल खासरीन, ही बिकेम अ लूजर, नुकसान उठाने वालों में से रिग्रेटर बन गया। क्योंकि देखिए जब इंसान गुनाह करता है तो फिर पछताता भी है, और फिर गुनाह करने के बाद अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद एक इंसान क्या हो जाता है, लूजर, लूजर हो जाता है। उसने क्या किया देखिए, अब यहाँ पर राजी कर लिया मतलब भाई को मारने के लिए, वो अपनी नफ्स को, नफ्स ने उसको रेडी किया और उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और भाई को मार डाला। अब क्या हुआ, भाई को जब मारा तो डेफिनेटली अब जैसे ही भाई को मारा खसारा पाने वाले में हो गया, बिकेम अ लूजर। सो यहाँ पर हमको लेसन क्या मिलता है, जैसे ही इंसान गुनाह करता उसी वक्त वो लूजर हो जाता है।
नुकसान उठाने वाला हो जाता है। इमीजिएटली या गुनाह किया या सब खत्म, नुकसान ही नुकसान। यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। जैसे ही गुनाह किया, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप डैमेज हो जाती, खलास। अनलेस कि तुम पलट आओ, माफी मांग लो, अनलेस कि तुम माफी मांग लो, क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह। और अल्लाह को ये मोमिन की क्वालिटी बहुत पसंद है कि वो अस्तग़फ़ार कर ले। और फिर जब कोई बंदा गुनाह करके लौटता है अल्लाह के पास, तो अल्लाह खुश होते हैं, है ना। जब बंदा गुनाह करके पलट आता है तो कितना खुश होते हैं, बिल्कुल सही ताबिंदा, कितना खुश होते हैं वो शख्स जिसकी ऊँटनी खो गई थी, है ना। और फिर वो सहरा में मारा मारा फिरता है, और फिर जब सडनली उसको वो ऊँटनी मिल जाती है तो फिर वो किस कदर खुश हो जाता है। इसी तरीके से हमारा खालिक है, जब बंदा गुनाह करके उसके पास लौट कर आता है तो अल्लाह सुबहान व ताला उसको माफ कर देते हैं और खुश हो जाते हैं, सुबहान अल्लाह। तो अब यहाँ पर ये भी बताया, पहले तो क्या करें, अपने आप को गुनाह से बचाने की हद दर्जे की कोशिश। लेकिन फिर भी इंसान रहते हुए अगर गुनाह हो जाए तो फिर नेक्स्ट चीज क्या है, अस्तगफार कर। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि जब एक इंसान गुनाह करता है तब वो अपने इस गुनाह के जरिए दूसरों को ना इनकरेज करे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो हमको ये सबसे बड़ा मॉरल है कि अगर कोई गुनाह करता है तो दूसरों को अपने गुनाह में मत इन्वॉल्व करो। गुनाह को यानी दूसरों को इन्वॉल्व कर लेते ना हम, तो अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि जब एक इंसान गुनाह करता है तब वो अपने इस गुनाह के जरिए दूसरों को ना इनकरेज करे, ना इनकरेज करे, उभारे नहीं, मींस दूसरों को ना इन्वॉल्व करे उस गुनाह में। टुडे इट्स वेरी इजी टू शेयर द सिंस विद अदर्स, है ना। कैसे? आज बहुत आसान है गुनाह में लोगों को इन्वॉल्व करना, और जो है कि शेयर द सिंस विद अदर्स। कैसे? देयर इज अ बटन फॉर इट। हमारे मोबाइल में एक बटन है, क्या है वो बटन? शेयर। मोबाइल के अंदर आता है ना एक ऑप्शन आता है शेयर। आज इतना आसान है गुनाह को शेयर करना। देयर इज अ बटन फॉर इट, शेयर अ प्रोफाइल गिवन टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स और हराम कंटेंट पिक्स वीडियोस इमीडिएटली जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं टू अदर्स। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पर, अगर आप देखें उसका उस गुनाह का हम भी उसमें इन्वॉल्व, दूसरे को भी इन्वॉल्व कर ले तो डबल गुनाह। ये इबलीस की क्वालिटी है एक्चुअली। कैसे पता है? जब इबलीस को धुतकारा गया तो उसने क्या कहा, सबको भटका कर रहूंगा अजमईन। सो अगर हमें किसी गुनाह में, हम किसी गुनाह में पड़ गए तो उसे किसी के साथ शेयर मत करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी को लत लग गई है स्मोकिंग की, तो वो दूसरों के सामने स्मोकिंग ना करे। डोंट इनकरेज अदर्स, और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें इस लत से बाहर निकाल दे। और आपको पता है क्या हुआ था काबिल को, जब उसने अपने भाई जो है कि हाबिल का कत्ल किया, तब क्या हुआ? बहुत बहुत बुरी बात है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ। आप देखें कि नबी ने बताया कि दुनिया में जितने मर्डर होते हैं उसका एक हिस्सा काबिल को मिलता है, क्योंकि उसने जो काम किया था उसने इन्वेंट किया था मर्डर को। उससे पहले जो है कत्ल करना मर्डर नहीं था, तो काबिल ने जो है मर्डर को इन्वेंट किया था। अब जो कोई जो चीज को इन्वेंट करेगा, अच्छी चीज होगी तो देखो उसका फायदा उसको मिलके रहेगा। यानी आप देखें, आपने कोई शुरुआत की कोई अच्छी चीज की, और फिर वो अच्छी चीज किसी के पास जाती है, फिर वो उससे अमल चेंज किया, फिर दूसरे को बताता है, तो वो अच्छी चीज जितना जहां तक के फैलेगी उसका सवाब आपको, अजर सवाब मिलता रहेगा। और इसी तरीके से बुरी चीज होती है, अगर किसी ने कोई बुरी चीज की शुरुआत की और फिर उसके वजह से कोई दूसरा बुरा कर रहा है और फिर वो आगे जा रहा है, तो फिर उसका एक हिस्सा जिसने शुरू किया था उस पर आता है। तो अब हाबिल ने क्या किया था, उसने इन्वेंट किया था मर्डर। हदीस लगाइए नबी की, नबी ने बताया, देखिए अल्लाह के रसूल, चेंज कीजिए अनम्बा जी, यहाँ पर एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस, हदीस का मफहूम है। नबी ने फरमाया कि दुनिया में जितने जो कत्ल होते हैं उसका एक हिस्सा काबिल को मिलता है। अब वो तो आलम बरजक में है, जिस दिन से उसने वो कत्ल किया है उस दिन से ही एवरी सिंगल मर्डर दैट इज अनजस्ट ऑन द अर्थ ही कंटिन्यूज टू गेट द सिन फॉर इट। सो इफ यू स्टार्ट अ सिन, एवरी सिंगल पर्सन फॉलो दैट, बिकॉज ऑफ यू यू कंटिन्यू टू गेट अ सिन फॉर इट। सो ये छोड़ दो, इससे अच्छा किसी को एक नेकी बता दो
जहां जहां तक लोग कॉपी करते या सीखते आपके वजह से उस नेकी को, जब आप करते हो तो दूसरे भी सीखते हैं ना, तो वो अजर हमारे खाते में आता है। रुबना उस्मान बाजी उसको पढ़ दीजिए। जैसे कि अगर आप देखें कि अभी आप लास्ट अशरे में पहले पढ़ दीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। बाजी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम सेड, नो सोल इज रॉन्गफुली किल्ड बट दैट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स ब्लड इज अपॉन द फर्स्ट सन ऑफ आदम फॉर ही वाज द फर्स्ट टू सेट द प्रेसिडेंट ऑफ मर्डर। सही मुस्लिम 1677। और अब इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर कोई इंसान कोई बुरी चीज की शुरुआत करता है और वो बुरी चीज को बिकॉज ऑफ हिम दूसरे लोग फॉलो करते हैं, और फिर सबका जो है ना शेयर, यानी बुरा करने का एक शेयर उसको उसके खाते में जाता है। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि इससे अच्छा है किसी को एक नेकी बता दो, जहां जहां तक के लोग कॉपी करते उस नेकी को करते जाएंगे तो वो अजर हमारे खाते में आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, नाइट की क्लासेस चलती थी, मैं मस्जिद में रहती थी, ऑफ कोर्स उसके बाद आकर मैं सो जाती थी, आपकी क्लासेस तो ऑन रहती थी, करेक्ट, आप लोग सब जुड़े रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इकरा मेंबर्स ने जो काम किया था, जो है जब वो नहीं भी थे तब भी उनके खाते में वो अजर सवाब जाता रहा। हमने काम नहीं किया लास्ट अशरे में, हमने जो है इट वॉज अ प्री रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन लोगों ने उससे फायदा उठाया है और हमारे अकाउंट में अल्लाह ऑटोमेटिकली उसके अजर डाल रहे थे। दिस इज हाउ। सो अगर आप अच्छी चीज की शुरुआत करें दैट इज बेटर फॉर यू, गलत चीज को ना शुरू करें। यहाँ पर ये मॉरल हमको मिलता है, इससे अच्छा किसी को एक नेकी बता दो, जहां जहां तक के लोग कॉपी करते उस नेकी को करते जाएंगे तो वो अजर हमारे खाते में आता रहेगा। सो आप तो आराम से घर में सो रहे हैं या कोई दूसरा काम में लगा है, पर वो नेकी जो आप सिखा चुके हैं उसका अजर आपके खाते में आता रहेगा। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको दे दिया, मैंने क्लास रात में आपके साथ नहीं की और वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर के जरिए अजर अल्लाह मुझे देते गए, सुभान अल्लाह। अब आयत देखते हैं, बैक टू द स्टोरी। ओके सो ये मॉरल्स भी अगर आप देखें चल रहे हैं, साथ में स्टोरी भी चल रही है। अब आयत नंबर जो है नेक्स्ट रेफरेंस चेंज करते हैं, माईदा 31। अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जब भाई ने भाई का मर्डर कर दिया तो अब आप देखिए ये पहला मर्डर था दुनिया में। सो यानी उसको पता ही नहीं था अब भाई की लाश के साथ क्या करें। अब वो सुबह से शाम तक के जो है काबिल हाबिल की लाश को लेकर फिरता रहा, उसको नहीं मालूम है उसके साथ क्या करना है, क्या करे, अब कहाँ छुपाए। बाप पूछेंगे आदम अलैहिस्सलाम तो क्या जवाब दे, क्या करें। यानी आप देखो वो सुबह से लेके शाम तक के लाश लेके फिर रहा है अपने कंधों पर। अब अल्लाह ने यहाँ पर भी उस पर रहम किया क्या, यानी ये बंदे के अब देखो क्या किया जा सकता है। अल्लाह ने क्या किया, उसको सुझाया क्या, भेजकर एक कौवा, जो अभी यहाँ पर आयत आपके सामने है। अल्लाह ने क्या किया, उसको बताया भाई कब तक लाश लेके फिरेगा, अब उसको कुछ तो करना पड़ेगा सही, ठीक है। तो अब अल्लाह ने क्या किया, ये जो यहाँ पर है अल्लाहु, फिर भेज दिया अल्लाह ने क्या, गुराबा ने कौवा या फसूल, वो खोदता था फिल अर्दी जमीन में, ठीक है, और फिर ताकि वो दिखाए उसे किस तरह वो छुपाए लाश अपने भाई की। उसने कहा, जब उसने देखा, यानी दो कौवे आए उसके सामने, अल्लाह ने कौवे भेजे, दो कौवे आए, दोनों में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को मार डाला। अब जिसने मारा उसने गड़ा जो है वो खड्डा खोदा और जो मर गया था उसको अंदर डाल दिया। यानी उसको क्या सिखाया, यहाँ पर तरीका बताया कि भाई अब तुम कैसे जो है कि इसको दफन करोगे, यानी अब दफन करना भी तो जरूरी है ना, कैसे लाश को ठिकाने लगाओगे। तो अब जब उसने देखा तो उसने कहा हाय अफसोस मुझ पर, क्या जो है कि मैं इस कौवे से, यानी अगर आप देखें कि मैं एकदम टोटल गॉन केस के, मुझे अभी ये कौवे से सीखना पड़ रहा है ना, कि मैं हो जाऊं मानी इस कौवे के, कि मैं छुपाऊं लाश अपने भाई की तो वो हो गया नादिम होने वालों में से, कि अब मैं अपने भाई की लाश कैसे, यानी कौवे से मैं गॉन केस हूँ, कौवा मुझे सिखा रहा है। अब दूसरी बात जो यहाँ पर हमको जाननी है कि अल्लाह ने कौवा ही क्यों भेजा, अल्लाह चील भेज सकते थे, वल्चर भेज सकते, बहुत यहाँ पर जो सवाल है जो हमको सीखने का है, यानी आंसर दीजिए अगर आप सोचें कि कौवा ही क्यों भेजा। देखिए कौवा जो है उसका कलर क्या होता है, कौवे का कलर क्या होता है, सबसे पहला काला, फिर
एंड ब्लैक स्टैंड्स फॉर इविल, सबसे पहली चीज ब्लैक, एंड ब्लैक स्टैंड्स फॉर इविल। कयामत के दिन काफिरों के चेहरे भी काले होंगे, हम कुरान की आयतों में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस्लाम को रिजेक्ट किया था उन्होंने। सो क्रो इज ब्लैक, और कौआ, यहाँ पर क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है, गुराब। गुराब माने जो है वो, अगर आप देखें गरीब के, यानी स्ट्रेंज भी, स्ट्रेंज चीज हुई थी ना एक्चुअली, तो स्ट्रेंज भेजा है इसका मतलब, यानी सो द क्रो इज ब्लैक एंड स्ट्रेंज, माना ये क्राइम जो हुआ दुनिया में वो भी स्ट्रेंज ही था। लोगों को पहला किसी को कत्ल करना, दफनाना, और इससे पहले कोई मारा भी नहीं गया था, मैं बताऊं, मौत भी नहीं थी, यानी इससे पहले कोई मरा भी नहीं था एक्चुअली। काबिल ने जो हाबिल को मारा, हाबिल से पहले कोई मरा नहीं था दुनिया में, किसी का कत्ल नहीं हुआ था। सो जाहिर सी बात है, उनको दफनाने का तरीका भी नहीं मालूम था। सो अब मैंने आपको यहाँ बताया कि जो कौए के लिए जो वर्ड है कि गुराब इस्तेमाल किया, उसका मतलब स्ट्रेंज है। सो द क्रो इज ब्लैक एंड स्ट्रेंज, माना ये क्राइम जो हुआ दुनिया में वो भी स्ट्रेंज ही था, और गुनाह का नेचर भी ब्लैक है। अगर आप देखें, फिल्दी है, हर एक गुनाह जो इंसान करता है उसके वजह से उसके दिल पर एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, और वो हर गुनाह से बढ़ता जाता है। चलिए स्टोरी देखते हैं। अब क्या हुआ, अल्लाह ने दो कौवे भेजे, दोनों में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को मार डाला, फिर जमीन खोदी और दफना दिया। अब ये सब नजारा काबिल ने देखा, सोचा अरे मैं इस कौवे की तरह करता हूं। अब उसने क्या किया, दफना दिया भाई को, और पछताने वालों में से हो गया, रिग्रेशन, क्योंकि गिल्ट होता है ना, भाई को मार डाला, दफना दिया, अब क्या हुआ, रिग्रेशन। अब क्या हुआ, अब काबिल आदम अलैहि सलाम के पास लौटा, जाहिर सी बात है गया होगा वो रात में या जब भी, और फिर बाप ने जरूर पूछा होगा कि भाई कहाँ है तुम्हारा, और फिर पता भी चल गया कि इसने मार डाला है, तो जाहिर सी बात है वो नाराज भी हुए, बहुत नाराज हुए बेटे से। और साल गुजरते गए, और आदम अलैहि सलाम जो है कि अब जो है दुनिया से जाने का वक्त आ गया। तो यहाँ पर ये बात एक हमारी क्लियर हो गई, और उनको बहुत बुरा भी लगा, और ऐसे ही साल बीतते चले गए, और जो है आदम अलैहि सलाम का दुनिया से जाने का वक्त आ गया। अब आदम अलैहि सलाम ने अपने सारे बच्चों को जमा किया, जितने भी हुए थे सबको बुलाया, और कहा मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ। अब देखिए एकदम क्या कहते हैं, एकदम स्ट्रेंज मांग है, यानी सब बच्चों को इकट्ठा किया, जाहिर सी बात है ही वॉज ऑन द डेथ बेड, यानी अब मरने वाले, और एक 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 मुतालबा किया, एक रिक्वेस्ट थी, और वो रिक्वेस्ट भी बिल्कुल अगर आप देखें कैसी थी, कि उन्होंने क्या कहा, मुझे जन्नत का फल खाना चाहता हूँ, मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जन्नत का फल टेस्ट कर चुके थे ना, और वो जन्नत में थे ना, तो अब इतने दिन से वो जन्नत को मिस कर रहे थे क्योंकि वो दुनिया में थे। तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या कहा, सबको बुलाकर इकट्ठा किया कि अब मैं ये दुनिया से जा रहा हूँ, मतलब मैं मतलब रहूंगा नहीं, उनको फीलिंग आ गई है, तो अब उन्होंने क्या किया, मुझे जन्नत का फल ही खाना है। अब बच्चों ने सुना, तो अब आप देखें जब सुना तो बच्चों का क्या रिएक्शन होगा, कोई मुझे बताएगा, नॉर्मली अगर आप देखें, क्योंकि बाप जो मुतालबा कर रहा है जैसे एक इम्पॉसिबल चीज है जो मांग रहे हैं ना। सो उन्होंने ना, जब बच्चों ने ये बात की, तो उन्होंने ना बच्चों ने ना आदम अलैहि सलाम को कुछ कहा ना, अपने वालिद से यानी बदतमीजी नहीं की, हालांकि ये इम्पॉसिबल चीज थी, कहाँ से लाते, कहाँ से मिलता उनको जन्नत का फल। लेकिन जब बाप ने मुतालबा किया, रिक्वेस्ट किया, तो बच्चे बोले अच्छा हम लाते, हम जाते हैं ढूंढ के लाते हैं। हालांकि क्या था, इम्पॉसिबल काम था वो, दुनिया में जन्नत का फल कहाँ से लाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने बाप को ना डांटा, ना उनको चिल्लाया, ना कुछ कहा, कि जैसे नॉर्मली आज के बच्चे होते हैं, यहाँ पर हमारे लिए मॉरल, आजकल के बच्चे अगर आप देखें किस तरीके से माँ बाप पे यस कमेंट पास करते हैं, और माँ बाप को जरा सी उनकी गलती पर किस तरीके से जो है क्या क्या बातें सुना देते हैं, कह रहे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यानी सोचो वो ऐसा बोल सकते थे, अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या आपका दिमाग खराब हो गया, कहाँ से हम जन्नत का फल लाएंगे, उन्होंने किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, है ना। तो यानी ओबीडियन बच्चे की यहाँ पर आपको मॉरल दे रही हूँ, कि अगर हमारे माँ बाप कुछ ऐसी बात कर भी दें तो हमको उफ नहीं करना चाहिए, माँ बाप है वो, है ना, उनके साथ में अच्छी तरीके से मामला करो, अच्छी तरीके से पेश आओ। वही बात यहाँ पर मिल रही है कि ओबे योर पेरेंट्स इवन इफ द टास्क सीम्स इम्पॉसिबल। अब आदम अलैहि सलाम के बच्चों के लिए ये टास्क डिफिकल्ट था, पर उन्होंने बाप से ऐसा नहीं कहा, दिमाग खराब हो गया क्या आपका, यानी फल कहाँ से लाएंगे, ऐसी बात माँ बाप के सामने करना गुनाह है। सो यहाँ हमको मॉरल मिला, ओबे योर पेरेंट्स इन अ, एंड यू नो ओबेइंग पेरेंट्स क्या है, इट्स अ वर्शिप।
माँ बाप को ओबे करना इज एक्चुअली वर्शिप एंड इट अर्न्स रिवॉर्ड। सो अगर आपके माँ बाप कुछ बात बोले तो सुनो। अब बच्चे निकल गए, क्या हुआ, बाप ने कहा मुझे वो चाहिए, वो बाहर गए तलाश करने लगे। आदम अलैहि सलाम के बच्चे जन्नत के फ्रूट्स को तलाश करने लगे। इतने में ही अगर आप देखें रास्ते में जो है कि उनको जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आदम अलैहि सलाम की रूह कब्ज करने फरिश्ते अल्लाह ने भेज दिए थे, और फरिश्ते जब दुनिया में आए तो वो आदम अलैहि सलाम के लिए जो है वो कफन यानी श्राउड वो आता है ना उसको कवर करने के लिए, कफन और खुशबू साथ लेकर आए। उन्होंने यानी इब्ने आदम को देखा, अब फरिश्ते भी आ रहे हैं, और जो है इब्ने आदम यानी आदम अलैहि सलाम के बेटे सामने देखे, तो फरिश्तों ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बेटों ने कहा हमारे वालिद साहब बीमार है और उन्होंने बड़ी स्ट्रेंज मुतालबा किया है, वो चाहते हैं जन्नत का फल। तो अब फरिश्ते बोले नहीं, अब कोई फल वल नहीं, अब तो जो है कि उनकी रूह कब्ज करने के लिए हम आए, जाओ तुम जो है कि कोई फल नहीं मिलेगा और तुम जाओ अपने बाप के पास। फौरन जो है बच्चे दौड़ते हुए अपने बाप के पास आए कि उनको पता चल गया कि बात क्या होने वाला है। फिर अब फरिश्ते घर में दाखिल हुए, ऑफ कोर्स इन ह्यूमन फॉर्म, आदम अलैहि सलाम और हजरत जो है हवा पहचानते थे उनको, पहचान गए आदम अलैहि सलाम फरिश्ते को पहचान गए, हजरत हवा भी जो है वो फरिश्तों को पहचान गई। क्यों क्यों पहचान, कैसे पहचान गए वो लोग, वो कैसे पहचान गए, देखिए कैसे, उन्होंने जन्नत में सब चीजें पता है ना उनको, वो फल याद होगा, फरिश्ते भी याद हो गए। हजरत हवा फिकरमंद हुई फरिश्तों को देखकर और फौरन जो है आदम अलैहि सलाम के पास चली गई, कहने लगी आदम हमें छोड़कर जा रहे हो क्यों, क्योंकि अभी तक कोई मरा नहीं था दुनिया में। तब आदम अलैहि सलाम ने कहा, जब हजरत हवा उनके पास आई, हवा मुझे अल्लाह के फरिश्तों के साथ अकेला छोड़ दो। देखिए क्या कहा उन्होंने, मुझे अल्लाह के फरिश्तों के साथ अकेला छोड़ दो, क्योंकि देखिए फरिश्तों ने बताया होगा कि अब जो है तुम्हारा वक्त आ गया, तुमको जाना है, अल्लाह के नेक बंदे नबी थे। आप सोचे अब वो अल्लाह से मिलने की चाहत और अल्लाह से मिलने की तड़प इमीडिएटली सब भूल गए, फैमिली, और फिर उन्होंने क्या कहा हजरत हवा से कि मुझे छोड़ दो फरिश्तों के साथ। आदम जो है हजरत आदम अलैहि सलाम तैयार हो गए अल्लाह के पास जाने के लिए, और ऐसे ही केस ईमान वालों के, यानी अगर आप देखें ईमान वाले ऐसे ही होते जो है कि आदम अलैहि सलाम अल्लाह से मिलने के लिए रेडी, और जो ईमान वाले बंदे होते हैं वो भी अल्लाह से मिलने के लिए ईगर और रेडी होते हैं। सो जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करता है ईमान सलात जिक्र, तो ऐसे ही घड़ी आ जाए तो वो तैयार रहता है उसके लिए, यानी अगर फरिश्ते आ जाए तो वो जाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, अपने रब की मुलाकात को, अब जो इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी नाफरमानी में बिताई है अल्लाह की, वो मौत को वेलकम नहीं करना चाहता, ये हमेशा याद रखें। जिसने दुनिया में अल्लाह की बात नहीं मानी है वो मरना नहीं चाहता, और वो अल्लाह से मिलना भी नहीं चाहता, वो अल्लाह से मिलना भी नहीं चाहता। लेकिन एक इंसान जो ईमान पर जिंदगी बसर किया है, अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ उसने जिंदगी बसर की है, तो वो अपने रब से मिलना चाहता है, ये एक चीज है। और यहाँ पर हमको जो है रेफरेंस मिलता है, सबसे पहले इसके बाद एक हदीस है जो मैंने अभी आपको बताया, मुस्नद अहमद की रिवायत, वो जो स्टोरी मैंने आपको बताया कि आदम अलैहि सलाम ने किस तरीके से अपने बच्चों से मुतालबा किया, वो पहले लगा दीजिए जस्ट एज अ दलील बाजी, नेक्स्ट स्लाइड चेंज कीजिए, यस हियर इज अ दलील लुबना उस्मान बाजी, आप इसको पढ़ देंगे मेरे लिए, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट का हिस्सा पढ़ दूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाजी। उतै ही इज अब्दु दमराह असाबी सेड दैट ही सॉ एन ओल्ड मैन इन मदीना स्पीकिंग। ही आस्क्ड अबाउट हिम एंड वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड उबै बिन काब हु सेड व्हेन आदम अलैहि सलाम वाज अबाउट टू डाई ही सेड टू हिज सन्स माय सन्स आई डू डिजायर टू ईट फ्रॉम हेवंस फ्रूट्स एज हिज सन्स वर गोइंग टू गेट हिम व्हाट ही वांटेड। They were received by angels who were carrying axes and spades. The angels asked, Sons of Adam, what do you want and where are you going? The sons of Adam said, Our father is sick and desires the fruits of heaven. The angel said, Go back, your father had been fated to die. When Eve saw the angels, she recognized them, so she tried to seek Adam's protection. Adam said, Go away from me. It was you who weakened me. Leave me with the Lord's, with my Lord's angels. Angels then took his soul, bathed him, shrouded him, dug his grave, and prayed for him. Then they entered his grave and placed him in it.
They left the grave and scattered dust over him and said, Sons of Adam, this is how you bury your dead. This hadith was narrated by Abdullah bin Imam Ahmad in his book Zawaid al Musnad 5x136. I'm not reading the. जी जज़ाकअल्लाह खैर। सो अब Interested यहाँ time. पर आप देखिए कि जो शख्स अल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर किया है तो वो अल्लाह से मिलने का एक शौक रखता है और वो अल्लाह से मिलना चाहता है, ठीक है। जब अच्छे इंसान के पास मौत के फरिश्ते पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल रेडी रहता है उनके साथ जाने के लिए। जैसे बुरे शख्स के पास जब मौत के फरिश्ते काले और जो है ब्लू आईज वाले आते हैं तो वो देख कर घबराता है और वो जो है वो उसकी रूह जो है निकलना नहीं चाहती उसके जिस्म में से और वो अपने रब से मिलना नहीं चाहता, तो फरिश्ते उसको मार मार के उसकी जो है रूह को निकालते हैं। लेकिन जो एक ईमान वाला शख्स होता है जिसने अल्लाह के मुताबिक जो है जिंदगी बसर की है तो उसके लिए जो है खूबसूरत फरिश्ते आते हैं, उसको जन्नत का लिबास लाते हैं, खुशबू लाते हैं और फिर उसके पास जाते हैं। और फिर यानी अगर आप देखें जब अच्छे ईमान इंसान के पास मौत के फरिश्ते पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल रेडी रहता है और उसको जाकर खुशखबरी देते हैं फरिश्ते। जैसे कि अभी यहाँ पर आबिलदा ने ऑलरेडी उसका रेफरेंस मुझे दे दिया, सूरह फजर की आयत नंबर 27 से 30 नंबर की आयत लगाइए हलीमा बाजी प्लीज। और उसमें जो है सूरह फजर की आयत में आप देखें कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमईना, क्या कहना मुतमईन नफ्स यानी चल अब क्या क्या है, इरजी इला रब्बिक राधिया मर्दियता यानी रिटर्न टू योर लॉर्ड कि तुझसे अल्लाह राजी है, यानी अब तू चल तेरे रब के पास चल। और फिर उससे कहा जाता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती कि एंटर द पैराडाइज कि अल्लाह तुझसे राजी है ना, और जो है तू अल्लाह से राजी। तो जो ईमान वाला शख्स है जिंदगी में अल्लाह उसने बसर किया जिंदगी अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए तो वो मौत के फरिश्ते जब आएंगे तो उसके लिए हमेशा रेडी हो जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमने यहाँ पर मॉरल यहाँ पर ये सीखा है। सो अल्लाह से दुआ करें सिस्टर्स वी लिव अपॉन अ लाइफ ऑफ गुडनेस, तकवे के साथ जिंदगी बसर करें जो मकसद पूरा करने के लिए इब्ने आदम आए हैं, यानी हम दुनिया में वो क्या है कि हम हमारे रब को राजी कर लें। अगर गुनाहें हो गई ह्यूमन बीइंग होते हुए तो अस्तगफार करें और अल्लाह की इतनी रहमत है हम पर कि उसने हमको ऐसे ब्लेस्ड महीने दिए हैं जिसमें हम हमारी बख्शिश जो है करवा ले, अल्लाह से मगफरत जो है वो तलब कर लें, है ना। सो अल्लाह से दुआ करें वी लिव अपॉन अ लाइफ ऑफ गुडनेस, तकवे के साथ जिंदगी बसर करें तो फिर जब फरिश्ते जाएं हमारी रूह कब्ज करने के लिए तो फिर हमें भी वो गुड न्यूज दे या अय्युहन या अय्युहतुहन नफ्सुल मुतमईना क्या इर्जी इला रब्बिका राधियतिम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो हमारे लिए भी यही गुड न्यूज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थे सारे मॉरल्स इन कंक्लूडिंग एज वी कंक्लूड द ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमदान। तो हमको ये सारी चीजों का ख्याल रखना है कि हमने बहुत मेहनत की है, अब जो हमने एक महीना इतनी मेहनत की है तो अगर आप देखें कि हमको क्या करना है, हमको जो है कि आगे भी हमको आगे भी 11 महीने यानी एक महीना मेहनत की है ना, तो 11 महीने इसके हिसाब से चलना है ताकि हम हमारे रब को राजी करें और ये गुड न्यूज जो सूरह फज्र की आयत में है ये हमारे लिए भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपके लिए लेक्चर अ शॉर्ट स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि सबको इसमें बहुत सारे मॉरल्स मिले होंगे और बहुत सारी चीजें, और हमको हमारे दुश्मन से जो है वो अलर्ट रहना है, ये हमको यहाँ पर मॉरल मिला, ठीक है। सो शिरीनबाजी पूछ लीजिए फिर इंशाल्लाह हम दुआ करा देते हैं और जो है कि रमदान की क्लासेस को जो है कि कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। जी बाजी हम पूछते हैं, बाजी आई एम ऑडिबल, यस अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन उम्मीद थोड़ा कर एक रही हूँ। डिस्टरबेंस है शिरीन, पता नहीं कोई चीज का। अब आ रही है आवाज यस क्लियर जी। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स को बाजी ने जो हमें आज मॉरल्स बताए हैं आप सभी सिस्टर्स को समझ में आ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी आई एम गेटिंग मैसेजेस, उम्मीद करती हूँ आपको भी आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आ अल्हम्दुलिल्लाह जी। सो शेन हम लोग जो है जी कि दुआ जो है करवा देते हैं, लास्ट अभी स्टूडेंट्स हाँ ने जो है कि इतना कुछ सीखा है सो एज उनकी टीचर होने के नाते जो है कि मैं दुआ करवा देती हूँ सबके लिए एंड देन वी कंक्लूड
यानी फॉर द लास्ट मंथ, यानी जितनी हमारी बैचेस है वो फॉर द टाइम बीइंग बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर जो 2-3 दिन बचे हुए खूब खूब इबादत कीजिएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। स्टिल अब इतना जो है आपको प्रिपेयर कर दिया गया है, जो है अब 28 रमदान है, सो मे बी अ डे वन अ डे एक डे होगा, 2 डेज मोर टू गो एंड देन ईद। सो हमारे पास अब ये 2 दिन भी है, हम जितना चाहें उतनी मेहनत कर सकते हैं। तो प्लीज जो आप कर रहे थे उसको जो है करते जाइए, और अल्लाह से खूब खूब जो है वो दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला हमारे जो है दुआओं जो दुआओं को सुनता है और वो हमारे गुनाहों को जो है वो बख्शते हमारे। ठीक है, कैन वी स्टार्ट विद द ठीक, दुआ? जी हम क्या अनाउंसमेंट कर देते हैं बाजी। कर सिस्टर दीजिए। पास से कि आप लोग एंड तक इंशाल्लाह, अभी बाजी दुआ करवा रहे हैं। आप सभी सिस्टर से दरख्वास्त कि आप लोग भी शामिल हुए दुआ में। हालिमा बाजी बाद में लगाएंगे अनाउंसमेंट, आप दुआ की स्लाइड लगाइए। और आप सभी सिस्टर से दरख्वास्त है कि आप लोग अभी जब बाजी दुआ करवाएंगे तो आपकी पर्सनल क्वेरी, पर्सनल दुआ नहीं चैट बॉक्स में लाएं, हम सब दरस में हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप सब अपनी दुआएं भी करें। आप सभी सिस्टर से दरख्वास्त है कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी ज्वाइन इन करवा दीजिए। सिस्टर्स आज हमारी रमजान की लास्ट क्लास है। ओवर टू यू बाजी, प्लीज स्टार्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ये सिर्फ और सिर्फ तेरी रहमत है कि आज हम हमारी इस साल की रमदान की आखिरी आखिरी क्लास या आखिरी बैच यानी आखिरी क्लास तक पहुंच गए हैं। या अल्लाह, इसके लिए हम दिल की गहराइयों के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तू हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले, अल्लाह तू इस कोशिश की वजह से हमसे राजी हो जा। हमने इन ताक रातों में कुरान में गौर व फिक्र किया है, तू इस कुरान को हमारे सीने की बहार बना दे और हमारे दिलों का नूर बना दे और हमारे लिए खुशियां, रहमतों और बरकतों का जरिया इसको बना दे। इसके साथ हमारे दर्जात को बुलंद फरमा और कयामत के दिन एक एक आयतों के बदले हमारे दर्जों को बुलंद फरमाना। या रब्बुल आलमीन, या रहमान रहीम, तू इसकी बरकत से हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे दीन से मोहब्बत करते हैं, तेरी किताब से मोहब्बत करते हैं, तेरे अंबिया और नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह तू हमें भी नेक बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन मोहब्बतों की वजह से तू हमें माफ कर दे और हमें इनके रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू हमें शैतान के शर और उसके वसवसों से और तमाम दुश्मनों से महफूज रख, जो हमारे अंदर नफ्स की सूरत में या बाहर इंसानों और शैतानों की सूरत में हमें तेरी राह से हटाना चाहते हैं। या अल्लाह तू जानता है हम तेरी राह से हटना नहीं चाहते, अल्लाह हम तेरी ही तरफ आना चाहते हैं। इससे पहले कि तू हमें वापस बुला ले इसी जिंदगी में, अल्लाह हम तेरे बनना चाहते हैं। अल्लाह तू हमें अपना बना ले। अल्लाह ये रास्ता और ये रोशनी जो तूने हमें दिखाई है ये हमसे कभी नहीं छीनना। अल्लाह हम पर हमारा नूर मुकम्मल कर देना। अल्लाह पुल सिरात पर नूर तमाम कर देना और अमन आफियत के साथ बगैर किसी परेशानी के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देना और अपना दीदार नसीब फरमाना। अल्लाह अपने नेक सोले बंदों में शामिल करना। या रब्बुल आलमीन, हमारे मौत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन हो और हमें ऐसी पुकार आए कि जिससे हमारे दिल राजी हो जाए और तू हमसे राजी हो जाए। या रब्बुल आलमीन, तू हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखरत में भी भलाई अता फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया, अल्लाह अपने पास से हर तरह की रहमतें अता फरमा। अल्लाह जितने लोगों ने पढ़ा और आज जितने शरीक हैं, अल्लाह सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा वही वही लना मिन अमरीना रुशदा। या रब्बुल आलमीन, हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर दे। या अल्लाह जिसके दिल में जो कोई परेशानी है, अल्लाह आज इस दुआ में जो कोई शरीक है
जहां जहां भी ये दुआ सुन रहे हैं, या अल्लाह उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके दुख, उनके गम, उनकी जिंदगी में बंदिशें, रुकावटें, अल्लाह इस कुरान की बदौलत तो दूर फरमा दे, अल्लाह सब की मुश्किलात आसान फरमा दे। या रब, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हमने तेरी तरफ रुजू किया, हमने तेरी ही तरफ लौटना है। या अल्लाह तू हमारे लौटने को आसान कर देना। या अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए, जो कुछ तूने उतारा उस पर ईमान लाए, और हमने तेरे रसूल की पैरवी की, तो हमें गुनाह गवाहों में लिख दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे घरों में सुकून पैदा कर दे, हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हमारे खानदान वाले के साथ हमें खुशहाली नसीब फरमा। रब्बना हब लना मिन अजवाजीना व ज़ुर्रियतिना कुर्रत आयुनिन वजअलना मिल वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह, हमें अपनी साथी और बच्चों से आंखों की ठंडक नसीब अता फरमा। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा, अल्लाह उन्हें दीन पर चला, अल्लाह उनके दिल की रुकावटें दूर कर दे, अल्लाह उनके लिए रास्ते आसान कर दे, अल्लाह उन्हें हमारी आंखों की ठंडक और हमारे लिए उन्हें सदका जारिया बना दे, और कयामत के दिन हमारे दर्जात की बुलंदगी का जरिया बना दे। अल्लाह जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए नेक रिश्तों का इंतजाम कर दे, और जिनकी हो चुकी है और घरों में परेशान है, उनके अंदर मुआफ़िकत पैदा कर दे। या अल्लाह हमारी सारी परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना। या अल्लाह हमें मुत्तकियों का साथ दे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। या अल्लाह हमारे लिए सारी मुश्किलात आसान कर दे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना व सब्रन व तवफ़ना मुस्लिमीन। अल्लाह दुनिया में सब्र के साथ जिए, तकलीफों पर सब्र करते हुए अजर पाए, ताकि आखिरत में अंजाम भी अच्छा हो और हमारे इस दीन पर हमारे साबित कदम हो। अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमा, और जो लोग इस रास्ते में हमारे लिए रुकावट हैं, उन रुकावटों को दूर कर दे। या अल्लाह हमें किसी के लिए फितना न बना, और कोई हमारे लिए फितना न बने, हमें हर जो है हर मुनकिर के फितने से महफूज रखना। या अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचा। अल्लाह तूने हमें हिदायत दी है, इसको और बढ़ा, और इसे हमसे ना छीनना, और अपनी रहमत अता फरमाना। या रब्बुल आलमीन, हम ईमान लाए तो हमें बख्श देना। अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा लेना। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत जुल्म किए, अपनी जानों पर बहुत सी ज्यादतियां की है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देना, गुनाहों को माफ करने के साथ साथ ढांप देना। अल्लाह हमारे गुनाह किसी को ना दिखाना। या अल्लाह हमको कयामत के दिन रुसवा और जलील ना करना, सबके सामने तेरी रहमत में ढांप लेना, क्योंकि तेरी रहमत को का तो ही सहारा है। हमें हमारे अमाल और इबादत पर भरोसा नहीं, भरोसा तो है सिर्फ तेरी रहमत पर, तो हमको अपनी रहमत में ढांप लेना। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, हमने नेकी के कामों में और इस दीन के कामों में जो ज्यादतियां की हैं, जो कसूर और कोताहियां हमसे हुई है, वो भी हमसे माफ कर दे। रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ीना अमरीना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह हमारे कदमों को जमा दे दीन के लिए, और काफिर कौमों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। अल्लाह तू हमें भी बख्श दे, और सारे ईमान वालों को बख्श दे। अल्लाह हमारे घर वालों को बख्श दे, अल्लाह तमाम मोमिनों को बख्श दे, कयामत तक जो मोमिन है तो उन सबको बख्श दे। या अल्लाह, जो ईमान नहीं लाए उन्हें ईमान की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा शफीक है। अल्लाह अल्लाह जहन्नम की आग बड़ी सख्त है, अल्लाह तू हमको जहन्नम की आग से बचा ले। रब्बुल आलमीन, हम ईमान लाए हैं तो हमारे बाल बच्चों को ईमान नसीब अता फरमा। अल्लाह हमारी कोताहियां दरगुजर अता फरमा। या अल्लाह हमें नेक लोगों का साथ दे। तवक्कल माल अबरार, मौत के बाद भी नेक लोगों के साथ उठाए जाएं। अल्लाह आग जहन्नम की आग से बचा लेना। या रब्बुल आलमीन, तो हमें आखरत की रसवाई से बचा लेना, क्योंकि तूने जिसको आग में डाला वो रसवा हुआ। या अल्लाह पुरसुरात से खैर और आफियत के साथ पार करवा देना। या अल्लाह हमें जन्नत में हमारे वालिदैन, हमारे जोड़े, हमारे साथी, हमारे बच्चों के साथ शामिल कर देना। अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें इल्म आने के बाद जहालत से बचा लेना। या अल्लाह हमारी बीमारी दुख तकलीफ को दूर कर देना। या रब्बुल आलमीन, तू ही हर मामले में हमारे लिए काफी हो जाना। अल्लाह हमें बंदों से बेनियाज कर दे। अल्लाह तो खुद अपनी रहमतों से हमारी जरूरतें पूरी कर दे। या अल्लाह, दुनिया और आखिरत में तू ही हमारा दोस्त है। अल्लाह इस्लाम की हालत में फौत करना। अल्लाह अल्लाह हमारा हिसाब भी आसान कर दे।
आसान कर देना। अल्लाहुम हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ्फाफ अन्ना, अल्लाहुम इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ्फाफ अन्ना। अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है। अल्लाह तू हमें माफ कर देना, अल्लाह हमें अपने मामलात में समझ बूझ अता फरमा और हमें अपने नफ्स के शर से बचा। अल्लाह दिलों को फेरने वाले तू हमें अपने दीन पर साबित साबित रख देना। ए दिलों को फेरने वाले हमारे दिल को अपने हिदायत पर साबित कर देना। ए अल्लाह हमें हिदायत, तक्वा, पाक दामनी और गुनाह अता फरमा। अल्लाह हमारे अंदर का तस्किया कर दे। अल्लाह तू हमें अपनी रहमत से नवाज, हमें हमारी नफ्स के हवाले एक लम्हे के लिए ना करना और हमारी हालात में इसलाह कर देना, हमारे सारे मामला दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह तू हमें इल्म नाफिया अता फरमा, उमदा हलाल पाकीजा रिस्क अता फरमा, कबूलियत वाला रिस्क अता फरमा। अल्लाह हमने जो इन क्लासेस के जरिए सीखा तो हमें उसका फायदा अता फरमा और जो हम सीखे उस पर अमल करने वाले बन जाए और आइंदा भी हर दिन हमारे इल्म में इजाफा अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे घरों में वसत पैदा कर दे, हमारे रिस्क में बरकत पैदा कर दे। या अल्लाह हमारे बुढ़ापे में हमें बेहतरीन रिस्क अता फरमा। या अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करना और जुरुल उम्र से बचाना, बुरी बुरी बीमारियों से बचाना। अल्लाह हमें हलाल से अता कर, अल्लाह हमें हराम से बचाना। अल्लाह जो रिस्क जो तूने हमें दिया है उस पर कनात अता फरमा अता करना, उसमें बरकत पैदा करना। अल्लाह सब कुछ आसान कर दे। अल्लाह आसानी तब होती है जब तू आसान कर दे। अल्लाह हर मामला आसान कर दे, दुनिया का भी और आखिरत का भी, जिंदगी का भी और मौत के बाद का भी, और मौत के वक्त भी आसानी कर देना। हमारी रूह आसानी से निकले। या अल्लाह हमारे छोटे बड़े छुपे खुले सारे गुनाह को माफ कर देना। या रब्बुल आलमीन बुरे अखलाक से बचाना, बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से बचा लेना। या रब्बुल आलमीन हमें कर्ज के गलबे से बचाना, दुश्मन के हंसने से बचाना। या अल्लाह हमें शिर्क से बचाना, उस शिर्क को जिसके बारे में हम जानते हैं और उसके बारे में जो हम अभी तक लाइन है। या अल्लाह हर शिर्क से महफूज रखना। या अल्लाह फख्र से, किल्लत से, जिल्लत से, जुल्म से महफूज रखना। अल्लाह हमारे सारे मामलात में बेहतरी कर देना। अल्लाह नेमतों के जवाल से बचा लेना। अल्लाह जो नेमतें दी है उनको बाकी रखना। या अल्लाह तो हमें आफियत में रखना, हमसे आफियत को दूर ना करना। या रब्बुल आलमीन अपने गुस्से से महफूज रखना। या अल्लाह ऐसे इल्म से बचाना जो हमें फायदा ना दे और ऐसे दिल से जिससे खशियत और खुशू ना हो। अल्लाह तो हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह तू हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह तू हमारी नेकियों में भी इजाफा करना। अल्लाह बुरे दिन से बचाना, बुरी रात से बचाना, बुरी घड़ी से बचाना, बुरे दोस्तों से बचाना, बुरे हमसायों से बचाना। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे हमारे सारे गुनाहों को, हंसी मजाक में किए हुए, संजीदगी में और भूल चूक के किए हुए गुनाह। अल्लाह हमें मुनाफिकत से बचा, रियाकारी और दिखावे से बचा, झूठ और खयानत से बचा, निगाहों की खयानत और जो दिलों में छुपी हुई बीमारियां हैं अल्लाह उन सब से भी बचा ले। अल्लाह हमको हर शर से बचा, जल्दी आने वाला और देर से आने वाला। अल्लाह हम तुझसे हर चीज का सवाल करते हैं जो तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और हर उस शर से तेरी पनाह में आते हैं जो तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मांगी। अल्लाह हम तुझसे जन्नत मांगते हैं और उन कामों का सवाल करते हैं जो हमें जन्नत के करीब करे। अल्लाह हम जहन्नम से पनाह मांगते हैं और हम उन अमाल से बचना चाहते हैं जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, तो हमें बचा ले। या रब तू हमें अपनी रजा अता फरमा, अपनी नाराजगी से बचाना और अपनी आफियत अता फरमाना। या अल्लाह हमें तू अपनी तरफ की तारीफ की तौफीक अता फरमा, अपनी हमद सना की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिक्र और शुक्र करने वाला बना। या रब्बुल आलमीन हमें हर तरीके के हादसात से बचा लेना। ए अल्लाह हमको शैतान से महफूज रखना जब वो मौत के वक्त आकर हमको बहकाए। अल्लाह हमको बीमारियों से महफूज अता फरमान। या अल्लाह कुरान को दिल का नूर बना दे, हमारी बाकी जिंदगी इस किताब के साथ गुजरे। अल्लाह इस किताब के जरिए हमें बड़े से बड़ा नूर अता कर। अल्लाह हमें अंधेरों से बचा। अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा और चला उस रास्ते पर। अल्लाह हमारी जबानें दुरुस्त कर दे, हमें बदअखलाकी से बचा ले। अल्लाह हमारे दिलों से कीना बुग्ज दूर कर दे। अल्लाह हमें उस वक्त मौत देना जब मौत हमारे लिए अच्छी हो, हमें उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक जिंदगी हमारे लिए अच्छी हो। अल्लाह ऐसी अपनी रजा अता फरमा जिसमें कभी नाराजगी ना आए। या रब अपना दीदार नसीब अता फरमा।
या रब्बुल आलमीन जितनी बहनें आज शरीक हुई हैं उनके दिल में जो भी दुआएं हैं जो तमन्नाएं हैं नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह तू उनको पूरा कर दे। अल्लाह तेरे बंदे तेरे खातिर यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह ये जो नियत लेकर आए हैं उसको पूरा कर दे। अल्लाह हमने जो ये रमदान ने तेरा कुरान पढ़ा है जो भी इबादत की है अल्लाह उनको कबूल अता फरमा। अल्लाह उनमें कोई कमी बेशी हो गई हो तो माफ कर देना, या अल्लाह जो हमने जो कुरान की आयतें पढ़ी समझी है तो कबूल कर और हमको अमल की तौफीक दे। सब बहनों को अजर व अजीम अता फरमा, इन क्लासेस को कामयाब बनाने में जिन जिन लोगों की मेहनत है तो उनको कबूल अता फरमा, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया या उनको बेहतरीन अजर सवाब अता फरमा, जिसने माल से मदद की जिसने अपना वक्त लगाया दिन दिन और रात लगाए, या अल्लाह तो उन सब की कोशिश कबूल अता फरमा और इन सब को दीन पर इस्तकामत अता फरमा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खैर ले जाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम इस आखिरी अशरे में खूब इबादत की तौफीक अता फरमा, हमें सेहत और आफियत के साथ उम्मत मुस्लिमा को तो सलामत रख। या अल्लाह तो हमारे मुल्क हमारे शहर में अमन आमान कायम कर दे। या अल्लाह हम तुझसे इस हाल में मिलना चाहते कि तू हमें देख करके खुश हो जाए, या हमारे जो फलस्तीन में जो हमारे मोमिन भाई बहने हैं अल्लाह तू उनकी हिफाजत अता फरमा, या अल्लाह ताला तू उनकी हिफाजत कर, गैबी मदद जो है उनको दे, दुश्मन के लश्करों को खत्म कर दे अल्लाह, हमारी कब्रों को रोशन कर देना, या अल्लाह तू आखरत को के मरहले हम पे जो है आसान कर देना, हमको उससे महफूज रखना, या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आला आलिही व असहाबिही व अहले बैती अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर रहीमीन इलाही आमीन। आप सबको मुबारक है हमारे लैलतुल कद्र की रातों का जो पोस्ट था आज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गया और जो भी आयतें हमने पढ़ी हैं और जो भी हमने जो कुरान सुना जो भी अहादीस सुनी है जो भी चीजें, अल्लाह सुनने बोलने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हम खूब इल्म हासिल करने के, अल्लाह हमें खूब इल्म हासिल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जज़ाकअल्लाह खैर टू ईच एंड एवरी मेम्बर्स ऑफ द इकरा टीम एज वेल, और अल्लाह उनके लिए जो है कि उनके घरों में आफियत दे और उनके वक्त में बरकत दे कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से जो है आप देखें कि घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए आप लोगों के लिए जो है वो क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है। अल्लाह ताला जो है उनको आफियत में रखें, उनके फैमिली वालों को और सबको और तमाम सिस्टर्स जो आप भी जुड़ी हुई हैं, अल्लाह आपके खानदान वालों को भी जो है वो सेहत दे आफियत दे और अल्लाह हमको जो है कि जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह खैर बाजी, माशाल्लाह आज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही खूबसूरती से आज की दुआ करवाई। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स ने दुआ में शामिल हुए होंगे। जज़ाकअल्लाह खैर बाजी। विद दिस टुडे वी कंप्लीट आर रमदान सीरीज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज़ामिन फजली रब्बी। जज़ाकअल्लाह खैर सिस्टर्स, आज आप लोग आए और आप लोग की वजह से हमारी आज की रमदान क्लास मुकम्मल हो पाई। सिस्टर्स गौर से सुने। हालिमा बाजी, अब आप अनाउंसमेंट की स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। सिस्टर्स गौर से सुने, कल 8 अप्रैल से लेके, हालिमा बाजी आगे आए ये स्लाइड के बाद जी, कल 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक कोई क्लास नहीं है आप लोगों के लिए, तमाम इकरा स्टूडेंट्स के लिए और कोऑर्डिनेटर्स के लिए और हमारी प्यारी सी उस्तादा लुबना बाजी के लिए हॉलिडे है 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। इंशाल्लाह हमारी सारी क्लासेस जो कि संडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे सारी बेस क्लासेस और हमारी संडे की क्लासेस जो जूम पे होती है वो 16 अप्रैल ट्यूसडे से रिज्यूम होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी क्लासेस आफ्टरनून में रहेगी 2:15 से लेके 4:30 तक। इंशाल्लाह लिंक आप लोग के ग्रुप में क्लास से पहले सेंड कर दी जाएगी
और सिस्टर्स गौर से सुने, इंशाल्लाह रमजान बाद यूट्यूब लाइव नहीं होगा। अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको जूम पे आना होगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग जूम डाउनलोड कर लीजिए। जो सिस्टर्स न्यू ज्वाइनी हैं और जिन्हें लिंक नहीं मिल पाती है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें मैसेज करें। सिस्टर्स व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल नहीं करें, मैसेज करें। इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में ज्वाइन इन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिंक आप लोग के ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। हमने यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा नंबर लिखा है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर सिस्टर्स, आप लोग हमारी क्लास में आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी लास्ट क्लास थी। इंशाल्लाह मुलाकात 8 अप्रैल से होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसी तरह आए और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी जानन करें। जो सिस्टर्स यहाँ पे हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज रहे हैं, सिस्टर्स आपसे दरख्वास्त है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हमें क्लास के बाद मैसेज करें। इंशाल्लाह हम आपको क्लास में ज्वाइन इन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओवर टू यू बाजी, शैल आई एंड द क्लास नाउ। यस, जजाकअल्लाह खैर जो शरीन द कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स, और अल्लाह ताला जो है आपकी तमाम जो है कि आमाल जो हमने किए आपने और हमने मिलके जो उनको कबूल करे, तकब्बल मिन्ना व मिनकुम। आमीन। जजाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन बाजी, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर योर दुआज। सिस्टर्स आप सभी से दरख्वास्त है कि तमाम इकरा कोऑर्डिनेटर्स और लुबना बाजी को आपकी दुआ में शामिल करें कि अल्लाह हम सबकी मुश्किलें आसान करे और हम इसी तरह आपके लिए क्लासेस कंडक्ट कर सके। आमीन। इंशाल्लाह रमजान बाद मुलाकात होगी। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर्स वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।